Hare 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 Rama.
वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब ग्रहातु ठाकुर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का जो विषय है भगवान के वेणु गीत है, यदि विशेष करके भगवान की चार माधुर्य है। ये जो चार माधुर्य केवल श्री गोविंद देव का अंदर में और किसी देवा देवी में नहीं, किसी अवतार में भी नहीं, केवल ये भगवान श्री गोविंद देव में ही विशेष करके ये चार माधुर्य है। इसलिए श्री श्री व्यास देव जी भगवान कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण कौन है? एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोकम मृढ़यन्ति युगे युगे। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, जिसको ब्रह्मा भी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये गोविंद देव श्री समस्त का कारणों का जो मूल कारण है ये भगवान श्री गोविंद देव है। इसलिए इनके अंदर में विशेष करके चार माधुर्य है। पहला माधुर्य क्या है? बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिणी। पहला माधुर्य है भगवान की लीला माधुर्य है।
क्योंकि भगवान गोविंद देव जो लीला की है, नारायण भी की है, भगवान राम भी लीला की है, लेकिन कृष्ण का जो माधुर्य है, ये माधुर्य और कहीं प्रकाश नहीं हुआ और कहीं प्रकाशित नहीं हुए हैं। सब जगह में दिखाया कैसे भक्त भगवान को भक्ति करते हैं, भक्त कैसे भगवान को भक्ति करते हैं। लेकिन भागवत में श्री व्यास देव कहते हैं यहाँ पर भगवान कैसे भक्तों को भक्ति करते हैं। ये लीला और किसी अवतार में नहीं है। भगवान रामा अवतार में देखो सबके सब भक्त हाथ जोड़ करके रहते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में देखो कृष्ण सबका हाथ जोड़ते हैं, कृष्ण सखाओं को भी हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि सखाओं को साथ में कृष्ण लीला करते करते कभी कभी श्रीधाम कृष्ण को पछाड़ देते हैं, बोले कन्हैया अभी तो हार गया घोड़ा बन, और कृष्ण स्वयं घोड़ा बन करके भगवान हाँ स्वयं घोड़ा बन करके श्रीधाम को बहन करते हैं। इसलिए सारा दुनिया कृष्ण सबका कान पकड़ करके उठाते बैठाते हैं, लेकिन भगवान गोविंद देव में देखो मैया जसोदा कृष्ण को कान पकड़ कर उठाती बैठाती। दुनिया को कृष्ण अपना माया में बांध करके रखे, लेकिन मैया जसोदा क्या करती है, ये गोविंद देव को उखल में बांध देती है, उखल में उनको बांध देती है। सारा दुनिया क्या कान पकड़ते हैं भगवान, लेकिन कृष्ण का कान कौन पकड़ते हैं, मैया जसोदा। देखो मैया जसोदा कृष्ण का कान, सारा दुनिया को सामने कृष्ण कान पकड़वाते हैं, लेकिन देखो कृष्ण कान स्वयं पकड़े मैया के सामने। ये किसकी वसीभूत होकर के, कहते भक्तों का वसीभूत होकर के कहते भगवान। इसलिए कहते भगवान की एक माधुर्य है जो भगवान की लीला माधुर्य है। इसलिए श्री गोविंद देव ने जितने मधुर मधुर लीला की है, कहते इतना मधुर लीला किसी ने भी नहीं की। और जो भगवान की जो सर्वतम लीला है, भगवान का रास लीला है, भगवान की ये रास लीला है। केवल कृष्ण को छोड़ करके और कोई भी ये रास लीला था कोई भी नहीं किया। इसलिए इनका जो पहला माधुर्य कौन सा माधुर्य है, इनकी लीला माधुर्य है। क्या दूसरा माधुर्य क्या है, इनकी भगवान की प्रेम माधुर्य है। हम सवेरे हम श्रवण कर रहे थे, क्योंकि आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में गए थे, श्री रंगम में जहाँ पर वेंकट भट्ट को साथ में जिस चीज को लेकर के इनके साथ में चर्चा हुई थी, जिसको कृष्ण महाप्रभु ने श्री वेंकट भट्ट को बताए, तुम्हारी लक्ष्मी तो वैकुंठ की अधीश्वरी है, लेकिन अधीश्वरी होते हुए भी मेरे जो प्रभु है वो तो ग्वाला है, वृंदावन में गैया को पीछे पीछे जोड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी जो लक्ष्मी है, अरे हमारी ये ग्वाला को कृष्ण को पाने के लिए क्यों तपस्या कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर दिखाए, विशेष करके कृष्ण के अंदर में चार ही माधुर्य है जो माधुर्य और किसी अवतार में नहीं। और चार ही माधुर्य में जो एक माधुर्य आज हम लोग जिसको ऊपर में श्रवण करेंगे, जिसका नाम है वेणु माधुर्य। अब बताओ गोविंद देव को छोड़ करके और किसका हाथ में क्या बंसुरी है, कोई भगवान के हाथ में क्या बंसुरी है, नहीं है। इसलिए कहते त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली कलको जीता, भगवान जिस बंसी ध्वनि को द्वारा कहते त्रिजगत मानस आकर्षी त्रिभुवन का जो मन है, भगवान ये बंसी ध्वनि को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को भगवान मुक्त करते हैं। इसलिए कहते भगवान क्या जो बंसी माधुर्य है, कहते भगवान क्या जो बंसुरी तीन चीज से बनी हुई है। एक है बंसी जो बांस से बना हुआ है, और एक है मणि जो मणि से बनी हुई है, और एक है हैमा मतलब जो सोने में बनी हुई है। एक है बंसुरी, एक है वेणु और एक है मुरली। कहते बंसी के अलग अलग तीन नाम है। कहते इनका जो जो शब्द है, कहते एक है सनमोहिनी, एक है आनंदिनी और एक है भगवान की आकर्षणी।
कहते इनका जो बंसी ध्वनि तीन तरह का। अब विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण का जो बंसी ध्वनि दो तरह का है, कहते एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर, उनका दो तरह का इनकी बंसी की आवाज है। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते हैं जो बंसी ध्वनि को विश्व ब्रह्मांड सुन सकते, लेकिन कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते हैं जो बंसी ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई पड़े और किसी को सुनाई नहीं पड़े। इसलिए कृष्णा बंसी बट को नीचे खड़े होकर के जो बंसी ध्वनि की, कहते ये कौन सा है, कहते ये गोपीभूत मनोहर, क्योंकि अगर ये बंसी ध्वनि सर्वभूत मनोहर होता तो कृष्णा जब बीच रात में जब उन्होंने बंसुरी बजाए सबके सब ब्रजवासी वहां पर बंसी बट को नीचे आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण वहां पर जो बंसी ध्वनि किया था वो केवल गोपीभूत मनोहर था, इसलिए वहां पर कौन आए हैं, केवल ब्रज की गोपियां ही आई है और कोई वहां पर नहीं आए। इसलिए एक बंगाल में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है शिवानंद, तो इन्होंने बंसी ध्वनि के ऊपर में बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताई है। कहते बंसी में 9 छिद्र है, उसमें 9 छिद्र है बंसी में। कहते जब पहला जो छिद्र में जब कृष्णा उसमें फूंक देते हैं तो उन्होंने एक बड़े सुंदर बंगला में भजन लिखा है, हम भजन को बोलते हैं बंगाली लोग तो समझेंगे। कहते प्रथम रंध्र गाने ब्रह्मार भागिल ध्याने द्वितीय ते जमुना उजाने। कहते जो पहला जो छिद्र में जब कृष्णा उसमें जो फूंक देते हैं उसके क्या होता है, मतलब ब्रह्मार भांगिल ध्याने, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भुभ्रीत चमत्कृत कृत परम। रूप गोस्वामी ने एक बड़े सुंदर बंसी ध्वनि की, एक उन्होंने बड़े सुंदर श्लोक उन्होंने रचना की है। कहते पहला जो रंध्र में जो फूंक देते हैं जो ब्रह्मा जो ध्यान करते हैं, कहते जो ब्रह्मा का ध्यान टूट जाती है, लेकिन जब दूसरे छेद में जब उसमें कृष्णा आवाज देते हैं उसको द्वारा क्या होता है, बोले द्वितीय ते जमुना उजाने। अभी हम श्रवण करेंगे बंसी ध्वनि में, कृष्णा जब बंसी ध्वनि करते हैं उस समय क्या होता है, जो यमुना नदी जब ऐसे बहती है यमुना नदी, लेकिन कृष्णा जब बंसी ध्वनि करते हैं कहते तेजो बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर गमृषा। कहते कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके कहते तेजो, तेजो मतलब होता है चंद्रमा है, चंद्रमा क्या होता है वो एक जाला में चंद्रमा खड़ी हो जाते हैं, वहां से टस से मस नहीं हो पाते, जिसको हम ब्रज में जाते हैं चंद्र सरोवर, गए हो चंद्र सरोवर में, हाँ चंद्र सरोवर जहाँ पर श्री सूरदास का भजन कुटिया है, वहीं पर जब कृष्णा रासलीला कर रहे थे वहां पर चंद्रमा ब्रह्मा का एक दिन तक एक जगह पर स्थगित रह गए, इधर से उधर नहीं हो पाए हैं। इसलिए कहते उसी समय में चंद्रमा कहते तेजो, कहते बारी, बारी मतलब होता है पानी, जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं जैसे यमुना ऐसे बहती है, लेकिन जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं उसमें क्या होता है, यमुना उल्टी बहने लग जाती है, यमुना जहां के तहां स्थगित हो जाती है, जैसे पानी यहाँ बंद हो गया, अगर इधर से पानी होगा तो क्या होगा, वहां पर आवर्त, वहां पर भंवरा पड़ जाता है, भंवरा पड़कर क्या होता है, वो सुंदर सुंदर कमल फूल को लेकर के कृष्ण जो खड़े रहते हैं और कमल फूल को लेकर के कृष्ण का चरण में उपहार देते हैं, कृष्ण चरण में उपहार को देते हैं। बोले तेज जो बारी मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी, अभी भी ब्रज में जाओ चरण पहाड़ी, गए हो चरण पहाड़ी जहां पर अभी भी कृष्ण की इतने बड़े बड़े कृष्ण का चरण चिन्ह है, इतने बलदेव प्रभु का, कृष्ण का, सखाओं का, और वहां पर हाथी की हिरण की अभी भी वो चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे पूरा के पूरा कहते गिरिराज गोवर्धन एकदम द्रवीभूत हो जाता है, हाँ एकदम कीचड़ कीचड़ मिट्टी मिट्टी एकदम, हाँ कीचड़ हो जाती थी। इसलिए आप कभी गोवर्धन में गए
कौन कौन गोवर्धन गए? गोवर्धन गए। आप देखना गोवर्धन में एक विशेष चीज देखना, आप नजर लगा कर देखना, आप विश्व ब्रह्मांड में जितने आप पत्थर देखोगे, आप हाथ लगाकर देखना, खसखस हो उसमें खच मुलायम भी नहीं होगा। लेकिन आप गिरिराज गोवर्धन में जाकर के गिरिराज का कोई भी एक शिला उठाओ, कोई भी आप शिला उठाओ, उसमें खसखस नहीं देखोगे, उसमें मुलायम ही देखोगे। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे, पूरा गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत होकर, नजर लगा कर देखना, सब जगह पे पत्थर का सर ऐसे होगा। लेकिन गिरिराज में आप देखना, वहां पर जो गिरिराज शिला है ना, जैसे द्रवीभूत हो जाता है कोई शिला, द्रवीभूत हो जाता है, आप देखोगे शिला पूरा ऐसे द्रवीभूत हुआ हुआ देखो। बोले क्यों? बोले कृष्ण की बंसी ध्वनि से, बा कृष्ण का चरण स्पर्श से ये गिरिराज गोवर्धन एकदम मुलायम हो जाती, एकदम मुलायम हो जाती थी। कद तृतीय रंध्र रे कथा सुने वृष भानु सुता पवने रहे हत ज्ञान। जब तीसरे बंसी के तीसरे क्षेत्र में कृष्ण अपना उसमें फूं देते थे, उसमें क्या होता था? बोले जो राधा रानी वृष भानु सुता, मतलब श्रीमती राधा रानी है, जैसे कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, क्या हुआ? कोई गोपी गले के हार को कमर में, कमर की करधन की गले में, और कोई आधा कपड़ा पहनी हुई थी उसी समय पर, कोई एक आंख में काजल लगाई, अभी दूसरे आंख में काजल भी नहीं लगा पाई, उसी अवस्था में आए। इसलिए कृष्णा जब तीसरे छिद्र में फूंक देते हैं, उस समय में जितने गोपियां वस्त्र को ठीक से धारण नहीं कर पाते हैं। कहते चतुर्थ रंध्र गाने ब्रह्म गोपी रिबाजे काने, ब्रज गोपी रिबाजे काने उन्मत भ्रमरीर प्राय। बोले चतुर्थ छेद में जब फूं देते थे, उसी समय में जितने ब्रज गोपियां जैसे भ्रमर जैसे मधुमक्खी जैसे मधुपान करते समय एकदम उन्मत्त हो जाते हैं कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके, उसी तरह जितने ब्रज गोपी हैं, कह रहे थे ना कोई दूध निकाल रही थी, उसी समय में दूध को फेंक करके आ गई। कोई पति को भोजन करा रही थी, वहीं पर ही आधा भोजन करा के आ गई हैं। उस समय कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी अवस्था में सबके सब छोड़ करके सबके सब चले आए। बसन पंचम रंध्रे न स्वरे अपने से धेनु पिरे पुन धेनु जाई ते ना पारे। जब पंचम जब रंध्र में जब कृष्ण फूं देते थे, उसी समय में जो धेनु गैया जब गैया चरती थी, वो गैया भी हैं कृष्ण का तरफ में नहीं आ पाती, उस समय अपना चलना बंद हो जाती है। इसलिए वेणु गीत में आते हैं, कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, एकदम अगर कोई गैया घास खा रहे हैं, वहीं पर मुंह में घास रह जाती है। जो बछड़े जब दूध पीते हैं, उस समय मुंह में दूध नहीं पी पाते, दोनों धार से दूध गिरने लग जाते हैं, एकदम जैसे जैसे फटो है ना चित्र है, कद ऐसे ही सबके सब स्टैचू होकर के जहां के तहां खड़े हो जाते। इसलिए यहाँ पर बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर वर्णना करते हैं कृष्ण बंसी में जो नौ जो छिद्र है, कौन सा छिद्र में फूं देने पर क्या क्या उनका स्थिति है, बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर वर्णना की है। कहते जो वेणु गीत है, कहते यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर उन्होंने टीका लिखे है, बड़े सुंदर रूप में इसकी टीका उन्होंने लिखे है। कैसे ब्रज गोपियां अपना घर में बैठी हुई और कृष्ण सखाओं को साथ में कैसे गोचारण करने के लिए गए, जब गोचारण करने के लिए गए और यहाँ पर ब्रज गोपियां बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र से कृष्ण की समस्त लीलाओं को दर्शन करते हुए आपस आपस में चर्चा कर रहे, और चर्चा करते करते वहां पर एक श्लोक आते हैं, बोले बरहा पिडम नट बर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिव्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती चमालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई
वृंदारण्यम स्वपत रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। कहती है कृष्ण की जो बंसी माधुर्य व कृष्ण का जो रूप माधुर्य को यहाँ पर श्री ब्रज गोपियां और श्रीमती राधा रानी कृष्ण देखने में कितने सुंदर है ये एक श्लोक में वर्णना करते हैं। बले बरहा पीडम, कहते कृष्ण का सर पर कौन सा पंख है? अरे बोलो कौन सा पंख है? मोर पंख है। कृष्ण ये मोर पंखों को बड़ी सुंदर वर्णना करते हैं। आप लोगों देखे होंगे कृष्ण का केस कैसे है, एकदम घुंघराली केस है, एकदम काला रंग का कृष्ण का केस है काला रंग का, और मैया जसोदा मोर पंख लगा कर रखी। उदाहरण देते हैं, आप लोगों देखे होंगे जैसे आकाश में जब काला मेघ छा जाती है, जब रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो, अगर सूर्य का किरण पड़ा हुआ हो, फिर क्या होता है उसमें? इंद्रधनुष पड़ता है ना, देखे कि नहीं, इंद्रधनुष पड़ता है। कहते उसी तरह कृष्ण का जो केस है एकदम काला रंग का केस है, कृष्ण का केस है। और मयूर पंख में, मयूर पंख है कि नहीं? देखो मयूर पंख में भी इंद्रधनुष है, देखो इंद्रधनुष है कि नहीं, उसमें इंद्रधनुष पड़ा हुआ है। कहते मानो जैसे जैसे काला मेघ का दूसरे तरफ में जैसे इंद्रधनुष पड़ता है, उसी तरह कृष्ण का जो केस काले रंग है और दूसरे तरफ में मयूर मुकुट में काला रंग, मतलब उसमें इंद्रधनुष जैसे, ऐसे बड़े सुंदर मैया जसोदा हीरे जवाहरात के बड़े सुंदर मणि मुक्ता से कृष्ण का बड़ा सुंदर जूड़ा बांधते थे। कृष्ण का बांधे जैसे देखो कितना सुंदर पुजारी ने बनाया है। इसलिए कृष्ण मैया जसोदा बड़ा सुंदर कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। इसलिए कहते बरहा पीडम, कहते कृष्ण अपना सर पर मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसका पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए हैं। पहला कारण सुना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं कृष्ण का रंग कैसे है? काला मेघ जैसे। और उनका शरीर में जो पीतांबर कैसे, जैसे देखना आकाश में जब काला मेघ छा जाती है उसमें बिजली चमकती है, देखे कि नहीं, बिजली चमकती है और उसमें गड़गड़ 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 शब्द होता है। कहते एक मयूर कब नृत्य करता है? अब देखना जब आकाश में काला मेघ को देखे और रिमझिम में बारिश ही हो, उसमें बिजली चमक के, उसी समय में मयूर थिरक थिरक करके नृत्य करता है। उसी तरह एक समय कृष्ण का रूप हो गया काला मेघ और उनको शरीर में जो वस्त्र है कैसे है? वस्त्र पीतांबर है, जैसे जैसे उसमें बिजली चमकती है। और कृष्ण जब बंसी ध्वनि बंसी बजाते हैं कैसे? जैसे गड़गड़ 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 शब्द होता है। इतने में मयूर देख करके बड़ा प्रसन्न होकर के अपना पंख खोल करके नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते आप देखना हमारे भारत में जब कोई बड़ा सुंदर कोई कलाकार नृत्य करता है, लोग क्या करते हैं? 10 रुपया लेकर के, ये तो 100 रुपया लेकर घुमा घुमा करके उसको देते हैं, देते कि नहीं उसको घुमा करके। इतने में मयूर देखा, आज कृष्ण की वजह से आज मैंने बड़े सुंदर नृत्य की है, अभी कृष्ण को तो कुछ उपहार देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में मेरे पंख के सिवाय कुछ तो है ही नहीं। इतने में मयूर क्या करते हैं? अपना पंखों को झाड़ देता है और उससे जब एक मयूर पंख गिरता है वो प्रेम का उपहार, इसलिए कृष्ण वहां मयूर पंख उठाए और अपना सर पर लगाती। कहती ये पहला कारण है, हैं? कि दूसरा कारण क्या है? कहते जो मयूर है, कहते जो मयूर ये ब्रह्मचारी, ये मयूर ब्रह्मचारी, इसलिए कृष्ण ब्रह्मचारियों को बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए मानो ये मयूर पंख ब्रह्मचारी, इसलिए पंखों को लेकर कहाँ पर स्थान दे दिया? अपना सर पर उन्होंने स्थान दे दिया। कहते इसका दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है? कहते जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल परिक्रमा करते 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 जब महाप्रभु पहुंचे कहाँ पर? अरे बोलो कहाँ पर पहुंचे? वृंदावन में। कहाँ पर पहुंचे? राधा कुंड के पास में। स्थान का नाम क्या? महाप्रभु पहुंचे जो सुख सारी का संवाद है वहां पर है,
इसलिए महाप्रभु भ्रमण करते करते राधा कुंड के पास में पहुंचे बहुला वन में। महाप्रभु बहुला वन में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। जब बहुला वन में पहुंचे वहां पर देखा सूप और सारी संवाद, कहते एक मैना और एक तोता दोनों बैठे हुए हैं, एक मैना और एक तोता बैठे हुए। और तोता तो साइड ले लिया कृष्ण का, और जो मैना ने साइड ले लिया राधा रानी को। इतने में तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। मैना कहते चुप रह, कृष्ण गिरिराज धारण किया। तो तोता कहते कृष्ण धारण नहीं किया तो क्या किया है। इतने में मैना प्रश्न करती है ये बताओ कृष्ण जो गिरिराज धारण किया कौन सा हाथ में, बोले बाम हाथ में, बोले कौन सा अंगुल में, बोले बाम अंगुल में, बोले कैसे धारण किया, बोले शक्ति से, बोले बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है, कृष्ण का शक्ति राधा रानी। आप बताओ भाई गिरिराज किसने धारण किया है, राधा रानी ने धारण किया है। इसलिए ब्रज में कहते हैं कच्छ गोपियों का हाँ, कहते कच्छ माखन का बल बढ़ो कच्छ गोपने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिराज लिए उठा है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इतने में तोता फिर कहता है बोले हमारे जो देखो जो मदन मोहन है आप बताओ किधर उनका सर किस तरह किधर झुका हुआ है, बाम झुका हुआ है। इसलिए कहते हमारे तोता कहते हैं हमारे जो मदन मोहन हर समय बाम तरफ में इनका सर झुका रहता है। तब मैना कहती बताओ बाम तरफ में क्यों सर झुका हुआ है, इसलिए बोले क्योंकि राधा रानी उस तरफ में, राधा रानी के चरण को पाने के लिए मदन मोहन जी उधर अपना सर को झुका है। इतने में तोता कहता है हमारे जो कृष्ण है ये कदम वृक्ष को नीचे बंसुरी बजाते हैं। इतने में मैना कहती है बताओ ब्रज में तो बहुत पेड़ है, बहुत पेड़ है, फिर ये कृष्ण ये कदम वृक्ष को नीचे क्यों खड़े होकर बंसुरी बजाते हैं। क्योंकि जो कदम वृक्ष है ब्रज में विशेष करके दो वृक्ष है, एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष है। इसलिए जो तमाल वृक्ष जैसे कृष्ण काले हैं, तमाल वृक्ष का रंग कैसे है, काले हैं, और कदम वृक्ष का रंग कैसे है, गोरा है, और राधा रानी का रंग कैसे है, गोरा है, गोरी है राधा रानी। इसलिए कहते इसलिए मैना कहती इसलिए कृष्ण कदम वृक्ष को नीचे खड़े रहते हैं, क्योंकि जो वृक्ष है वो एक तो राधा जी का स्वरूप है, और वो वृक्ष को नीचे रोज राधा रानी आती है, वो वृक्ष को नीचे रोज राधा रानी आती हैं, इसलिए कृष्ण वहां पर खड़े होकर के बंसरी बजाते हैं। इतने में तोता कहता है हमारे श्याम सुंदर सर पर मरुपंख धारण करते हैं। मैना कहते बताओ ये मरुपंख क्यों धारण करते हैं, पंख तो बहुत है, ये मरुपंख क्यों धारण करते हैं। मैना कहती है इसलिए मरुपंख धारण करते हैं, ये मरुपंख में हमारे श्री राधा रानी का नाम लिखा है, श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ, इसलिए श्याम सुंदर ये मरुपंख को धारण करते हैं। इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसी विषय पर बहुत बहुत कारण बताए कृष्ण ये मरुपंख को कृष्ण क्यों धारण करते हैं। आप लोग बरसाना गए हो, कौन कौन गए हैं, मरुकुटी गए हो, गए हो मरुकुटी में, हाँ वहां पर राधा रानी ने कभी मयूरणी बन करके नृत्य की थी, हाँ कभी अब देखे होंगे मयूर बहरूणी वहां पर है, इसलिए राधा रानी कभी मयूरणी बनी थी। इसलिए मानो श्याम सुंदर श्री हैं श्याम सुंदर राधा रानी की स्मरण के लिए उन्होंने ये मयूर पथ को धारण किए। इसलिए कहते बराह पीड़म, बोले नटवर बपुहु, कहते भगवान की स्वरूप कैसे है देख लो, हमारे कन्हैया खड़े हैं तीन जगह से टेढ़े हैं, नटवर है ना, कहते उनका देखो उनका कपड़ा भी देखो जैसे नटवर है नाचने वाले जैसे, इनका मुकुट को देखो भी नाचने वाले जैसे है, इनकी बंसी को देखो जैसे नाचने वाले, गले में माला देखो सीधा पहने ना टेढ़े पहने, टेढ़े भी पहने वे भी नाचने वाले हैं। आप कृष्ण की कोई भी चीज को देखो वो कोई सीधा चीज नहीं पहने, हर चीज को टेढ़े रूप में जैसे नाचने वाले हैं उनका सारे हैं। और कहते जो भक्त लोग उनका अलंकार को देखो वो भी ऐसे लगता है जैसे नाचने वाले। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म हमारे जो ब्रह्म स्तुति में कहते हैं
वृंदावन में कृष्ण, जब वृंदावन में कोई भी जब चलते हैं ऐसे लगता है जैसे सबके सब नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन में जो कोई चलते हैं गमनम नृत्यम, वहां पर चलना सब नाचना है। और देखो कृष्ण को जो दर्शन करते हैं ना उनका मन भी नाच उठता है, उनका मन भी नाच उठता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बराह पीड़म नटबर बपहु, कहते भगवान का जो स्वरूप है नटबर, नटबर मतलब होता है शंकर जी का नाम है नटराज, शंकर जी का नाम नटराज है ना, शंकर जी का नटराज टेम्पल भी है यहाँ पर, आज सवेरे गए थे ना नटराज टेम्पल, इसलिए शंकर जी का नाम नटराज है। लेकिन इस कृष्ण का नाम क्या है, बोले नटबर। नटबर मतलब क्या, नट मतलब शंकर जी, बर मतलब होता है उनका भी जो पति है, शंकर जी का भी पति। बोलो भैया शंकर जी का पति कैसे, हाँ गोविंद देव शंकर जी का पति कैसे बन गए, बोले जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे शंकर जी गोपीश्वर बनकर के आए थे कि नहीं, आए थे ना गोपीश्वर बनकर के। आप बताओ गोपियों का पति कौन है, आप बताओ गोपियों का पति कौन है, मदन मोहन है। तो शंकर जी का पति हुए कि नहीं, शंकर जी के पति हुए कि नहीं, इसलिए कहते नटवर। और दूसरा कारण बताए शंकर जी के पहले बड़ा अभिमान था, बोले क्या अभिमान था, कद जितने नृत्य करने वालों में सबसे सुंदर नृत्य मैं करता हूँ, इसलिए शंकर जी को नटराज कहते हैं, शंकर जी को नटराज कहते हैं। लेकिन जब हमारे कृष्ण कालियों को सर के ऊपर नृत्य किया, कालियों की 100 फण था और एक साथ में कृष्ण को एक साथ में काटने के लिए कोशिश कर रहा था 100 फणों से, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, 100 फण को बचाना पड़ेगा ना, एक फण से दूसरे फण, जब एक फण उठाता था कृष्ण क्या करते थे, ठोकर मार करके पदाघात करके वो सर को नीचा कर देते थे, जब फिर कोई सर उठता था फिर उसको पदाघात करते थे। कृष्ण इतने तेजी से, सर सर को बचाना है, इतने तेजी से चरणों को चला रहे थे, इतना तेजी से, इतने में कृष्ण तो नाचना शुरू कर दिया। स्वर्ग से सारे देवता लोग उतर करके आ गए अपना वाद्य यंत्र को लेकर के, इतने में कृष्ण कालियों को सर पर नृत्य कर रहे थे और जितने सब कलाकार सब कैसे बजा रहे थे। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ बिंग 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 बिनती करत नाग बदुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तन 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 का जित घन 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 गंधर्व गण, नाम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी जब देखे, शंकर जी सोच रहे थे सबसे बढ़िया नाचने वाला मैं हूँ, लेकिन कृष्ण ने दिखाया, देखो बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे रस्सी के ऊपर नाचते हुए, किसको देखे होंगे, कोई सर पर हाँ मटकी रख कर कोई नृत्य करते होंगे, सर पर कोई अब देखना दिया जला करके नृत्य करते हैं, कोई तलवार के ऊपर नृत्य करता है, सब बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, लेकिन कृष्ण कहते कभी देखे हो सांप के सर को ऊपर नृत्य करते हुए किसी का पीछे देखे हो। इसलिए शंकर जी भगवान के नृत्य को देख कर कहते बम बम बलिहारी, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण कौन है, कहते नटबर। नटबर मतलब शंकर जी का भी जो पति है, जिनकी चरण को लक्ष्मी शंकर भी जिनकी चरण को पूजा करते हैं। नटवर बपू बल करने हो कर्णिकारम, कहते कृष्ण का दो कान है लेकिन ये दो कान में उनकी एक कनियर फूल है। बोले एक क्यों धारण करते हैं, कारण किया, बोले कारण है कहते कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं ना, अब देखना कभी कभी जब एकदम यंग बच्चे चलते हैं, एकदम जवान बच्चे,
छाती की बोतम खोल करके, छाती फुला करके एकदम मस्ती से चलते हैं। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में चलते हैं, कहते उनका कभी एक कनियर फूल एक कान में, कभी कभी ला करके दूसरे कान में, कभी ये कान में, इसलिए कभी अदला बदला करते हैं। इसलिए कहते करने हो मतलब होता है दो बचन, और करनीकार मतलब होता है एक बचन, मतलब दोनों कानों में एक कनियर फूल, ये एक रहस्य। दूसरा कारण बताते हैं, कृष्ण जब नंद भवन में होते हैं, अभी कृष्ण आज किधर गैया चराने जाएंगे, आज कृष्ण को साथ में कहाँ जाएंगे, आज कहाँ लीला करेंगे नहीं करेंगे, वहां पर तो कृष्णा गोपियों को ये बात बता ही नहीं सकते पिता माता को सामने, हैं पिता माता को सामने। इसलिए कृष्णा किधर गैया चराने के लिए जाएंगे। अब कनियर फूल देखे हो, अरे देखे हो कनियर फूल कैसे हैं, आज गए थे ना हम वहां पर, कहाँ है कहाँ है, हाँ छोटा सा है। इसलिए आप देखना कनियर फूल ऐसे होता है, कनियर फूल ऐसे होता है। इसलिए किधर आज कृष्ण गोचर में जाएंगे, कहाँ सखियों को साथ में मिलेंगे। इसलिए कृष्ण जिधर जाते थे ना, कृष्ण उसी कान में लगा देते थे, अरे एक फूल ऐसे होता था ना, ऐसे कर देते थे, बोले तो गोपियां आज इधर आ जाना, आज मैं उधर जाऊंगा, नहीं तो आज हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। इसलिए हमारे टीकाकार कहते हैं, इसलिए कृष्ण दो कान में एक फूल धारण करते थे। करने वो कर्णिकारम मतलब विभ्रत बास कनक कपि स्वयं वैजयंती च मालम। कहते कृष्ण का वस्त्र का रंग कैसे है, कृष्ण का वस्त्र का रंग कैसे बताओ, कृष्ण पीला है, पीताम्बर है। कहते पीताम्बर क्यों धारण करते हैं, बोले कारण है राधा रानी का अंग का जो रंग है वो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी है, इसलिए राधा रानी का शरीर का रंग कैसे है, एकदम तपे हुए सोने के रंग जैसे। इसलिए कृष्ण भी उसी तरह वस्त्र को पीताम्बर धारण करते हैं। राधा रानी की वस्त्र का रंग नील वसना गौरी रूपे गुने धन्या, मतलब राधा रानी नील वस्त्र क्यों धारण करती है, कारण है कृष्ण का रंग है नील वस्त्र, और दूसरा कारण है मानो राधा जी का नाम एक श्यामा, राधा जी का नाम श्यामा है, मतलब कृष्ण रंग में जो रंगी रहती है, और कृष्ण का नाम भी श्याम है, हैं? इसलिए कृष्ण का रंग मतलब कृष्ण राधा जी के रंग में, राधा कृष्ण रंग में, दोनों दोनों का रंग में रंगे रहते हैं। इसलिए कहते वैजयंती च मालम, कहते कृष्ण जो गले में फूल की माला धारण करते हैं, जो माला का नाम है वैजयंती माला, हाँ वैजयंती माला, कहते जो वैजयंती माला वो गले से लेकर के चरण तक होता है, वो माला गले से लेकर के चरण तक वो माला होता है, और कभी पांच रंग की और कभी सात रंग की, कभी कृष्ण पांच रंग की कभी सात रंग की धारण करते हैं। वहां पर बताए जो पांच रंग है कृष्ण का जो भक्ति होता है बारह रस से, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण कौन है, अखिल रसामृत मूर्ति, समस्त रस का परिपूर्ण रूप है भगवान श्री गोविंद देव, बारह रस का, पांच मुख्य रस और सात गौण रस। इसलिए कृष्ण भक्ति जो होता है विशेष करके पांच मुख्य रस से कृष्ण की भक्ति हम करते हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये विशेष करके पांच रसों का मुख्य रस से उनकी भक्ति। और शास्त्र ने बताया वो जो पांच रंग की, कभी कृष्ण पांच रंग की माला धारण करते हैं, अभी कृष्ण कभी सात रंग का पुष्प, वहां पर बताया कौन सा पुष्प है कृष्ण धारण करते हैं, और कौन सा पुष्प कौन सा भक्ति को लक्षण करता है, शांत रस का भक्ति कौन सा पुष्प रंग रंग कलर किया है, सख्य रस का भक्ति कौन सा कलर है, वात्सल रस का भक्ति कौन सा कलर लक्ष्य करता है। इसलिए मानो जो कृष्ण गले में पुष्प की माला धारण करते हैं, पुष्प की माला नहीं, मानो सारे भक्तों को कृष्ण अपना हृदय में धारण करते हैं, सारे भक्तों को कृष्ण अपना हृदय में धारण करते हैं। इसलिए वैजयंती च मालाम,
रंध्रान बेनु रधर सुधया। कृष्ण क्या बजाते हैं हाथ में, कृष्ण की क्या बंसुरी है। कहते कृष्ण बंसी क्यों बजाते हैं, क्यों कृष्ण बंसी बजाते हैं। कहते बंसी के अंदर में विशेष करके दो दो तीन गुण है, इसलिए कृष्ण बंसी को कभी छोड़ते नहीं। अगर हमारे अंदर में भी वो गुण आ जाएगा ना, देखना कृष्ण हमें भी कभी नहीं छोड़ेंगे। पहला गुण क्या होनी चाहिए, अब देखना बंसी का बीच पूरा खाली खोला है, पूरा खाली है ना, मतलब क्या उसका हृदय में बस कोई काम क्रोध लोभ मोह छल कपट छिद्र कुछ भी उसकी हृदय में नहीं है, पूरा खाली हृदय, कोरा हृदय है, कोरे हृदय है, इसलिए ये पहला गुण। दूसरा है कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती, कृष्ण जो उसमें जो है उसमें तान देना चाहते हैं वो बंसुरी वैसे बजती है। अगर हमारे अंदर में अगर ये दो गुण आ जाए ना, अगर हमारे हृदय खाली हो जाए, लेकिन हमारा हृदय खाली है ही नहीं, पता नहीं कितना कितना क्या क्या कचड़े से भरा भरा हुआ है। भगवान के पास में आते हैं कितना कितने कचड़े हमारे हृदय में भरा भरा हुआ है, और कृष्ण चाहते हैं एक हम चलते दूसरे तरफ में। कृष्ण क्या चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। कृष्ण इतना चाहते हैं ना, तुम सारे धर्म को छोड़ करके एकांत के रूप में मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापे भो मोक्षे समी मां सुचो। लेकिन भगवान के वाक्य में विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वही कृष्ण ही फिर महाप्रभु रूप धारण करते हुए आए। और महाप्रभु का रूप धारण करते हुए क्या शिक्षा दिया आप बताओ, महाप्रभु कितने उम्र में संन्यास लिए थे, कितने उम्र में, 24 साल में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये दो भाई थे, एक विश्वरूप और एक महाप्रभु। पहले विश्वरूप संन्यास लेकर चले गए, बड़े भाई संन्यास ले लिया, उसके बाद में पिताजी स्वर्गवास हो गया, जगन्नाथ मिश्र भी धाम में चले गए, उसको बाद में घर में कौन है, एक बूढ़ी माँ और विष्णुप्रिया। कितना उम्र, 16-17 उम्र की विष्णुप्रिया महाप्रभु, इसी उम्र में महाप्रभु संसार त्याग देते हैं। कोई छोड़ सकता है, पत्नी इतने कम उम्र के, पिता है ही नहीं, बड़े भाई चले गए, पहले माताएं घर छोड़कर बाहर कहीं जाते नहीं काम करने के लिए, घर को देखते थे, इसी उम्र में महाप्रभु संन्यास लेकर के गए हैं। इसी उम्र में शिक्षा क्या देते हैं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, तुम सारे धर्म को जितना अपना धर्म समझ रहे हो, हाँ वर्ण आश्रम जितने धर्म लौकिक पर सारे धर्म को तुम त्याग दो, माम एकम केवल मेरे चरण में। और डर लगेगा, अरे हमारे कितना सारे कर्तव्य संसार में, पिता माता भाई बंधु कितना सारे कर्तव्य, हम डर है ना, लेकिन कृष्ण कितना बड़ा प्रतिज्ञा लेते हैं, अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि, चिंता मत करो सारे पाप से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, केवल एक पैट हो करके केवल मेरे शरण में आ जाओ। इसलिए लास्ट में क्या कहते हैं, मन मना भव, मन और किसी को मत दो, मत भक्त भव, केवल मेरा ही भक्त बनो, माम जाजी मेरी ही पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरे को ही प्रणाम करो, माम यशसी सत्य सत्य कह रहा हूं प्रतिज्ञा करके, हैं तुमको सारे पाप से मैं मुक्त करा दूंगा और तुम मेरे को प्राप्त करो। कितना बड़ा प्रतिज्ञा लेते हैं महाप्रभु, हैं कितने बड़े प्रतिज्ञा महाप्रभु अपना जीवन में आचरण करते हुए, महाप्रभु आचरण करते हुए अपना जीवन में दिखा रहे हैं। तुम्हारे जितने कर्तव्य है सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, भगवान का भजन, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के नित्यदास है, उनका सेवा ही हमारी एक कर्तव्य, और हमारी कोई कर्तव्य नहीं संसार में। इसलिए कृष्ण क्या करते, बंसुरी बजाते हैं। अगर हम ऐसे हो जाए ना, कृष्ण भी देखना कभी कभी राधा रानी कहती है ना, अगले जीवन में और मैं राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो बंसुरी बन करके। बोले क्यों, बोले कृष्ण गोप हम गोपियां, अभी कृष्ण में हमारे तो अधिकार ना, कृष्ण के अधरामृत में हमारी अधिकार, लेकिन देखो कृष्ण कहती ये बंसुरी हमें तो अंगूठा दिखा दिखा करके
सारे रस को यही पान कर रहा है, सारे रस को कभी इसको कमर में रखते हैं, कभी अधर में, और सोते समय भी छोड़ते नहीं बंसुरी को, वो अपना बंसुरी को कमर में रख कर पकड़ कर कृष्ण सोते है। इसलिए कहते हैं चलो हम सबके सब श्री पौर्णमासी को पास में जाएंगे, क्योंकि पौर्णमासी सर्वज्ञ सब जानती हैं। ये पूर्व जन्म में ये बंसुरी ने ऐसे कौन सा तपस्या की है जो कि इसी जीवन में बांस बनकर के आए, और ये बांस के एक टुकड़ा है, बांस के एक टुकड़ा, और कृष्ण ये बंसुरी को कभी छोड़ना नहीं चाह हर समय में, और इसका कितने सौभाग्य देते हैं। देखो कृष्ण कैसे बंसुरी को ऐसे पकड़े ना, यहाँ पर कहते हैं जैसे एक राजा महाराजा की सेवा होती है, राजा महाराज को क्या करते हैं, दल्लभ गद्दी के ऊपर सोते हैं, कृष्ण बंसुरी को दोनों हाथ के ऊपर रखे, कृष्ण का हाथ कितना कोमल बताओ, जैसे दल्लभ गद्दी, और उनको तकिया कहते उनका अधरा मृत तकिया, देखो कहाँ पर ये अधरा मृत तकिया है, इतना नहीं अंगुल चलाते हैं ना, बोले अंगुल नहीं चला रहे हैं, मानो बंसुरी का चरण को दबा रहे हैं, कृष्ण जी की चरण दबा रहे हैं। कहते उनको कान में देखो कुंडल, बोले कुंडल नहीं, जैसे किसी राजा महाराज का सर के ऊपर में जैसे छत्री धारण करते हैं, आंखों का पलक झपता है, बोले पलक नहीं, जैसे राजा महाराज को पंखा झुलाते हैं ना, ऐसे ही बंसुरी को ये पंखा झुला रहे। इसलिए बंसुरी क्या सौभाग्य की थी जो इसी जीवन में ये बंसुरी बन करके आए, और क्या पुरयन गोप वृंदई, कहते अपना अधरा मृत को, कृष्ण खुद देते ना बंसी में, मतलब कि अपना अधरा मृत है, हैं अधरा मृत को क्या करते हैं, ये बंसी को पूरा पूरा अधरा मृत से पिला रहे, अधरा मृत से बंसी को पूरा भर कर रखते हैं। हाँ इसलिए पुरयन गोप वृंदई और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति, इसलिए कहते हैं ये पृथ्वी कौन सा ऐसे सौभाग्य की, कहती ये पृथ्वी ऐसे कौन सा सौभाग्य की, क्योंकि कृष्ण जब नंगे प्यार में जब वृंदावन में चलते हैं कि तो जो घास है ना, घास नहीं बोले क्या है, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे ही मानो ये वृंदावन धाम कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये घास रूप में उनके रोंगटे खड़े हो गए। कहते तो जो झरना, बोले झरना नहीं, जैसे हम लोग प्रेम में गदगद हो जाए, आंखों से आंसू बहती है, कहते ये गदगद नहीं, ये झरना नहीं, मानो प्रेम से उनका आंखों से आंसू प्रवाहित तो हो रहा है। और जब चलते हैं कृष्णा, कहते भैया गिरिराज गोवर्धन में तो नुकुले नुकुले पत्थर है और कांटा भी है, बोले नहीं, जब भगवान चलते हैं ये जो पृथ्वी गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा को निकाल देती है अपना, क्यों भगवान है ना, और भगवान का चरण कहीं गिरे संत लोग कभी गिरने देंगे, संत लोग तो अपना हृदय को ही बिछा देते हैं, अपना हृदय को वो बिछा देते, बोले प्रभु आपका चरण हमारे हृदय में रखो, और गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा निकाल देती है, और ये जीवा कितने गुदगुद होती है ना, जीवा कितना गुदगुदी है, मानो कृष्ण जब चरण रखते हैं गिरिराज गोवर्धन का जो जीवा है फैला कर रखती है, और संत लोग अपना हृदय को बिछा देती है। इसलिए जब कृष्ण सखाओं को साथ में ये वृंदावन धाम में चलते हैं, प्राविशस्तत गीत कीर्ति, सखाई क्या करती हैं, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री मदन मोहन लाल की, बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री गोपीनाथ की, राधा दामोदर की और राधा रमण की, राधा विनोद की। इसलिए सखा लोग कन्हैया की जय जयकार करते हुए वृंदावन में चलती रहती है। इसलिए ब्रज गोपियां अपना घर में बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र से भगवान को सारे कृष्ण की सारे लीलाओं को दर्शन करते हुए बड़ी सुंदर यहाँ पर अपना भावना को प्रकट करती हैं। इसलिए ये वेणुगीत की जो एक एक जो श्लोक है ना, हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या किया है बड़े, और जीव गोस्वामी, इसलिए जीव गोस्वामी बड़े सुंदर इन लोगों ने व्याख्या किया है। देखो हम लोग अहोभाग्य है, हम लोग, अरे बोलो, हम लोग बड़े भाग्यशाली है, क्यों, हम लोग ये गौड़ीय वैष्णव है,
हम लोग महाप्रभु की धारा में आए, साधारण बात मत समझो। अब भागवत पढ़ करके देखो, कहते सत्य त्रेतया द्वापर युग का लोग भी प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें कलयुग में जन्म दो। स्वर्ग के देवता लोग भी प्रार्थना करते कलयुग में जन्म दो, जो कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? कलयुग है हाँ, पाप का युग है। लेकिन चुके इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और हमारे प्रभुपाद आए हैं, इसलिए इसी धारा में बड़े बड़े देवता लोग भी इसी कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त तो होकर के महाप्रभु की चरण की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो कि महाप्रभु की धारा में कम से कम शुद्ध लाइन में हम लोग आ गए। अगर सही लाइन में खड़े रहेंगे ना एक दिन तो नंबर लग ही जाएगा, लगेगा कि नहीं? अगर अगर कहीं गलत लाइन में खड़े रहोगे ना पर जिंदगी भर तो खड़े ही रह जाओगे, नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी सही लाइन में आ गया ना नंबर तो आएगा। और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छी बात कहते हैं, जैसे तुम्हारी अगर तुम्हारी परिवार में अगर कोई बहुत बड़ा पोस्ट में हो, प्राइम मिनिस्टर हो नहीं तो कोई राष्ट्रपति हो, आप देखना उनका नाम से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, हो जाता है कि नहीं? अगर बोल दे भैया मोदी का हम अमुक मैं अमुक लगता हूँ, भैया भैया जाओ जाओ जाओ, अपने आप छोड़ देते हैं। कहते उसी तरह वो कहते हैं हम जिस परंपरा में आए ना महाप्रभु का लाइन में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, लाइन में जब आए अगर इतना केवल अभिमान हो जाए हम इसी लाइन में आए हैं, इससे ही हमारे बेटा इससे ही बेटा। इसलिए हम रोज रोज सवेरे सवेरे जय ध्वनि देते हैं ना, अपना गुरु परंपरा की हम लोग जय ध्वनि देते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान समझे। अभी हमारे भक्त लोग हैं ये लोग भी वेणु गीत को पर बोलेंगे, हमारे श्री गौर सुंदर माइक ले। खड़े करो बोलो, सब दर्शन करके इस तरह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा से पढ़े हरे कृष्णा। अज्ञान्त निरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जयतां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदां भोजो श्रीराधा मदनमोहनो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमारक्तम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोदशर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशर श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेता हूँ। सबर का शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जयुक्त हो। षड गोस्वामियों में अन्यतम आज जिनकी शुभ तिथि है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायुक्त प्रणाम। आज जो विषय की आलोचना हम लोग कर रहे हैं ये विषय यद्यपि बड़ा ही गंभीर विषय है और ऐसे विषय गुरुदेव परम गुरुदेव जैसे महापुरुषों के मुखारविंद से ही शोभा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और हमारी गुरु परंपरा ने
ऐसे विषयों की भी श्रवण कीर्तन के विषय में निर्देश दिया है। जिस समय पर सुखदेव गोस्वामी रास पंचाध्याय के वर्णन के उपरांत अंतिम में जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि सभा के अंदर तो कई सारे स्तर अनधिकारी व्यक्ति विराजमान थे जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई, और उसके बाद में उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि कृष्ण जो कि धर्म की स्थापना करने के लिए आए, उन्होंने भला रमणियों को लेकर के पर स्त्रियों को लेकर के इस तरह का व्यवहार किया तो क्या, और वो ही चर्चा आपने यहाँ पर श्रवण करवाई। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधु फिर इदंच विष्णु श्रद्धयान्वितो अनुश्रुणयात् अथ वर्णयेत्य। इस श्लोक के अंदर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का ब्रज गोपियों के साथ में जो विहार है, या कृष्ण और श्रीमती राधा रानी श्री ब्रज गोपियों का जो माधुर्य विहार है, उसको यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे और श्रवण करने के बाद में अनुकीर्तन करे तो उससे क्या होगा, उससे होगा भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य गामा, उसी से ही क्या होगा बोले हृदय रोग दूर हो जाएगा और धीरे 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 भावभक्ति, भावभक्ति के बाद में प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। यद्यपि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे विषय हैं, बड़े ही गूढ़ हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं स्पष्टीकरण देते हुए कि जिस प्रकार एक कोयल आम वृक्ष के बकुल का आस्वादन करती है वो उसके लिए परम आस्वादनीय होता है, लेकिन कौवा उसके अंदर से कोई रस ले नहीं पाता, उसी प्रकार रसिक वैष्णव जिन्होंने सद्गुरु चरणाश्रय ग्रहण करके और उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टारत हैं, वो लोग तो इन सब विषयों को सुन करके और आनंद प्राप्त करेंगे, लेकिन जो कोयल के जो लोग कौवे के समान मूढ़ व्यक्ति हैं वो ही उन लोगों के लिए विषय आस्वादनीय नहीं होगा, है ना। तो ये वेणुगीत भागवतम में जब श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वेणुगीत से पूर्व उन्होंने श्री शरद काल का वर्णन किया है। शरदकालीन ऋतु जो होती है, अब तो हम लोग ज्यादा सीजन से दिखता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में 6 ऋतुओं का वर्णन आया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बस उसके बाद में शिशिर, हेमंत और इस तरह से वर्णन आया है। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी वेणुगीत का वर्णन करने से पहले शरद ऋतु का बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं एक अध्याय में, क्यों, क्योंकि कृष्ण की जितनी सारी मधुर लीलाएं हैं वो प्राय करके शरद ऋतु में ही हुई है, उनका वेणुनाद हो, उनका ब्रज गोपी के साथ में रास हो, दामबंधन हो, असुर का मारण हो, कितनी सारी लीलाएं कृष्ण ने ये शरद ऋतु में करी है। और शरद ऋतु का परिवेश कैसा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ग्रीष्म ऋतु के समय पर सूर्य के प्रचंड तेज से सारी पृथ्वी दग्धीभूत हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जब वर्षा ऋतु आती है, अभी जो सावन का महीना है ना, ये सावन और भादो ये दोनों महीने मिला करके वर्षा ऋतु बतलाई गई, तो इसमें जब मूसलधार बारिश होती है, कभी कभी रिमझिम बारिश, कभी कभी मूसलधार वर्षा, तो उसके प्रभाव से सारे जलाशय परिपूर्ण रूप में भर जाते हैं, नदियों का जल अपनी सीमा को पार करके बाहर निकलने को होता है, उछाल मारता है, सारा परिवेश हरा भरा हो जाता है और पानी भी बड़ा मटमैला हो जाता है। लेकिन इस वर्षा ऋतु के बाद में जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु का परिवेश बड़ा ही शांत होता है, जहां पर वृक्षों पर सुंदर सुंदर पल्लव पुष्प प्रस्फुटित होते हैं, फल इत्यादि लगते हैं, वहां पर जलाशयों का पानी भी बड़ा निर्मल स्वच्छ हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब वेणुगीत को प्रारंभ करते हैं, इथम शरद स्वच्छ जल पद्मांकर सुगंधिन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब शरद ऋतु जब आई है तो शरद ऋतु के आने से जलाशयों का जल पूरा स्वच्छ निर्मल हो गया है, और वहां पर क्या हो रहा है, पद्मांकर सुगंधिना, वहां पर पद्म फूल, मल्लिका, जूही, बेली, तरह तरह के पुष्प प्रस्फुटित हो गए हैं, और उन पुष्पों से जो सौरभ प्रकाशित हो रहा है, जो सुगंध निकल रही है, वो सुगंध ने सारे ब्रज के परिवेश को आमोदित कर रखा है, समीर के ऊपर विराजमान होकर के, और ये सुगंध सारे वृंदावन को, सारे ब्रज को सुगंधित बनाई हुई है। और ऐसे में कृष्ण ने क्या किया, नेविशत वायुनाम वाता सबो गोपाल कोचत, कृष्ण ने उसी समय पर कदम के नीचे विराजमान होकर के और वेणुनाद किया, और ये वेणुनाद भी कैसा, गुरुदेव बता रहे थे ना, एक तो सर्वभूत मनोहरा जो कि सबको सुनाई दे, और एक गोपीभूत मनोहरा जो कि केवल मात्र ब्रज की रमणियां श्रवण कर सके।
तो रास के पूर्व जिस समय पर कृष्ण ने वेणुनाद किया था, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहित मानसा, उस समय पर वो वेणुनाद हर कोई सुन नहीं पाया, वो केवल मात्र कृष्ण की प्रियसी गोपियां ही सुन पाई। कृष्ण जिन्हें आवाहन करना चाहते थे, जिन्हें बुलाना चाहते थे, वोनों के कानों में ही केवल मात्र वेणुनाद दिया। लेकिन अभी जो वेणु गीत जिसकी वर्णना श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वो वेणुनाद कैसा है? सर्वभूत मनोहरा, अर्थात हर कोई उस वेणु को श्रवण कर पाया है। और उस वेणु के श्रवण करने का प्रभाव क्या हुआ? बोले सबने अपने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। कैसे? सबने अपने अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम, अरे यमुना जो कि जल है, प्रवाहित होना जिसका स्वाभाविक गुण है, लेकिन यमुना क्या होगी? स्थिर होगी। प्रवाहित होना छोड़ दिया और स्थिर हो गई। अभी आगे से प्रवाहित होता होता जल आ रहा है, और यहाँ जब यमुना का जल वेणुनाद श्रवण करके स्थिर हुआ है, तो उसके कारण उसके अंदर भंवर पड़ने लगा। और भंवर पड़ने से क्या हो रहा है? मानो यमुना भी उस भंवर के माध्यम से कमलोपहारा, कृष्ण के चरणों में कमल पुष्प को अर्पित कर दे रही है। हमारे परम गुरुदेव ने जो वेणुगीत ग्रंथ प्रकाशित किया है, आप लोगों ने अगर कवर पेज देखा हो तो कवर पेज को वहां पर बड़ा सुंदर रूप में पेंटिंग में दिखा रखा है, किस प्रकार यमुना के जल द्वारा पद्म पुष्प श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होने को आग्रह कर रहे हैं। इसीलिए क्या किया, यमुना ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, तरलता का स्वभाव छोड़ करके और वहां कठोर होने लगी। गिरिराज गोवर्धन जो कि शिला रूप में है, लेकिन वो द्रवीभूत होने लगे हैं। ब्रज की गोपियां इस वेणुनाद के प्रभाव को देख करके और कहती है, ये वेणुनाद नहीं, ये वेणु नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई दुश्मन ही है। भागवतम में वर्णन आता है राजा वेण का। राजा वेण का नाम सुना है? ये जो ध्रुव महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। ये ध्रुव महाराज के ही वंश में आगे एक राजा हुए हैं जिनका नाम था वेण। और ये वेण राजा इतने दुष्ट थे, इन्होंने अपने प्रजा में सबको अनाउंस कर दिया था कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई व्रत इत्यादि नहीं करेगा, कोई होत्क्रिया नहीं करेगा, सब के सब राजा की ही पूजा करो, ना अष्टव्यम ना होतव्यम ना जातव्यम द्विजकुचित। उसने जिस प्रकार सबको अपना अपना स्वभाव छोड़ने के लिए वशीभूत बाध्य कर दिया था, ब्राह्मणों का स्वभाव है त्रिसंध्या जप करना, यज्ञ इत्यादि करना, ठाकुर पूजा करना, लेकिन उसने क्या किया, ब्राह्मणों को अपना स्वभाव छोड़ने को कहा। उसी प्रकार आज ये वेणु का भी प्रभाव है। ब्रज की गोपियां कहती है, पहले एक राजा वेण हुआ था जिसने कि सबको अपना अपना स्वभाव छोड़ने के लिए परवश कर दिया था, आज वो ही वेण तब तो मर गया था, ये वेणु होकर के जन्म ले रहा है, और वेणु रूप में आकर के इसका भी ऐसा ही प्रभाव है। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, इसका स्वभाव बड़ा ही विपरीत है, कहां चंचल पक्षी स्थिर होकर के और वृक्ष की डालियों पर बैठ करके मुनियों की भांति मनन करने लग जाते हैं, गैया घास खाना भूल जाती है। एक एक श्लोक में वेणु गीत में सुखदेव गोस्वामी ने एक एक चीज को लक्ष्य करते हुए बतलाया है ब्रज गोपियों के हृदयगत भाव। ब्रज गोपियां हर एक चीज को जिस भी ओर देखती हैं, उसी ओर उनके मन में यह भाव आता है कि देखो हम कितनी दुर्भाग्यशाली हैं और ये कितने सौभाग्यशाली हैं। ब्रज की गोपियों की नजर पड़ती है गैयाओं पर, तो गैयाओं का जो वेणुनाद सुनने के बाद में अवस्था है, उसको देख करके सोचती कि ये गैयाएं कितनी सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण का वेणुनाद श्रवण करके इनके शरीर में ऐसा विकार आ रहा है। जब वो हिरणों को देखती है, किस प्रकार ये हिरणियां कृष्ण को दर्शन करने के लिए आती हैं, कृष्ण जब वेणुनाद करते हैं तो उनके वेणुनाद को सुन करके अपने कान खड़े करके सारी की सारी हिरणियां चली आती हैं, और अकेली नहीं आती, सह कृष्ण सारा अपने पतियों के साथ में, अपने जो कृष्ण सार पति हैं उनके साथ में आती हैं, और आ करके वहां पर आंखों से ही मानो कृष्ण की आरती उतार रही हैं, कृष्ण का अर्चन कर रही हैं। बोले आंखों से अर्चन, ये कैसा अर्चन हुआ? हमने तो सुना है अर्चन के लिए धूप दीप प्रदीप इत्यादि सब षोडश उपचार द्वादश उपचार से पूजा की जाती है। कहते हैं वो तो बाह्य अर्चन है, लेकिन एक जो आंतरिक अर्चन है, वो आंतरिक अर्चन कैसा है? बोले कृष्ण के वेणुनाद को देख करके, वेणुनाद को सुन करके हिरणियां अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ही कृष्ण को आरती उठाती हैं। इसलिए ब्रज गोपियां कहती हैं, हम इतनी दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे जैसा दुर्भाग्य कौन होगा कि
हमारे पति हमें कृष्ण मिलन में कृष्ण सेवा में बाधा देते हैं। हमसे सौभाग्यवान तो ये हिरनिया है कि ये इनके पति इनको कभी भी कृष्ण सेवा में बाधा नहीं देते। ये वेणुगीत के अंदर विशेष करके लक्ष्य करेंगे तो ब्रज गोपियों की दीनता ही प्रकाशित हुई है, जिसके अंदर जितना ज्यादा भक्ति जितना ज्यादा प्रेम प्रकाशित होता है वो उतना ज्यादा दैन्य भाव स्वाभाविक रूप में उसके अंदर आता है। जो जितना श्रेष्ठ संग प्राप्त करता है उसके अंदर उतना ही दैन्य भाव आता है। ये ब्रज गोपियां ये अपना स्वाभाविक दैन्य को प्रकाशित कर रही हैं, आकाश की ओर देखती हैं, काले काले मेघों को देखती हैं तो उनको धन्य मानने लग जाती हैं, अपने आप को दुर्भाग्यवान मानती है कि हम तो कृष्ण सेवा कर ही नहीं पा रहे। श्रीमन महाप्रभु जो कि साक्षात प्रेम मूर्ति है लेकिन क्या कहते हैं, न प्रेम गंध अस्य, मेरे अंदर तो प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। इसलिए वेणु ना गीत तो बड़ा ही विस्तारित है लेकिन गुरुदेव ने जिस प्रकार प्रथम श्लोक जो बरहापीडम श्लोक की व्याख्या करी है, इस बरहापीडम श्लोक के उपरांत ब्रज की गोपियां रूप का वर्णन करने लगी हैं, तो सारी ब्रज की गोपियां घर में बैठी बैठी ही अपने दिव्य नेत्रों से कृष्ण का वो वन गमन दर्शन कर रही हैं। कृष्ण किस प्रकार सखाओं के साथ में गैयाओं के साथ में वन में जाते हैं और सबसे आगे आगे गैयाएं हैं, सहस्त्र सहस्त्र गैयाएं हैं, उसके बाद में सखा है और सखाओं के सबसे पीछे उसके बाद में कौन है, कृष्ण और बलराम। तो मानो जब उन्होंने कृष्ण के रूप का वर्णन किया तो उनके हृदय के भाव प्रकाशित हो गए, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो प्रकाशित हो गया। अब फिर वो क्या करती हैं, उस प्रेम को छुपाना चाहती हैं। यद्यपि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है लेकिन अपनी समजातीय गोपियों के बीच में भी दिखाना नहीं चाहती, इसलिए फिर से उसको छुपाने की कोशिश करती है। इसमें तो कृष्ण के रूप का वर्णन किया, अभी अगले श्लोक के अंदर अपने भाव को संवरण करती हुई छिपाती हुई फिर से कृष्ण और बलराम के रूप का वर्णन करती है। क्या कहती है, अक्ष्वणताम फलमिदं न परम विदाम सख्य पशून अनुविवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टं येर्वा निपीतं अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ब्रज गोपियां कहती हैं अक्ष्वणताम फलम इदम, इदम शब्द बड़ा कमाल का है यहाँ पर, बड़े आंखों का फल क्या है, बोले ये है। क्या है, उनसे यदि कोई प्रश्न करे अक्ष्वणताम फलम इदम न परम विदामम, कह रही है अरे परमात्मा ने जो हमको ये आंखें दी है ना, अरे भगवान ने जो ये आंखें दी है इन आंखों की सार्थकता किसमें है, बोले इस दर्शन में ही है। इसके अलावा बोले न परम विदाम, और कोई इसका परम फल हो ही नहीं सकता, इन आंखों का सर्वश्रेष्ठ फल है तो यही है और कुछ नहीं है। अगर यदि कोई प्रश्न करे कि क्या है, क्योंकि उनका जो ये भाव है ये भाव उन्होंने अवहितता भाव छुपा करके व्यक्त कर रही है और कृष्ण से प्रेम दिखाना भी नहीं चाहती, इसीलिए क्या कहती है, आंखों का फल तो भैया यही है और तो कुछ है नहीं। परमात्मा ने अपनी सखियों को मानो कह रही है, सखियों तुम कहां ये घर जंजाल में पड़ करके और भगवान द्वारा दी हुई इन आंखों को नष्ट कर रही हो, निरर्थक कर रही हो, अपनी समस्त मानव शरीर को इन इंद्रियों को निरर्थक कर रही हो। अगर सच में इन आंखों को धन्य करना चाहती हो तो क्या करो, बोले ये दर्शन करो। अभी यदि पूछा जाए कौन सा दर्शन करो, तब अगली लाइन में कहती है वक्त्रम ब्रजेश श्रुतयोर अनुवेणुजिष्टम अक्षुणताम फलम इदम न परम विदाम, अरे इन आंखों का और कुछ फल हो ही नहीं सकता। क्या फल है, बोले वन में जाने वाले जो सखाओं के पीछे पीछे चल रहे हैं ब्रजेश सुतयो, ब्रज ब्रजधाम, ब्रज के ईश, ईश मतलब जो राजा है, तो ब्रज के राजा कौन है, नंद बाबा। तो ये नंद बाबा के जो सुतयो, सुतयो अर्थात द्विवचन, उनके जो दोनों बेटे हैं उन दोनों बेटों के बेटों का दर्शन करना ही आंखों की सार्थकता है। अर्थात हमारी आंखें भैया तभी धन्य होगी जब हम राधा मदन मोहन का दर्शन करें, राधा गोविंद देव का दर्शन करें। इन आंखों से अन्य अन्य विषय तो हम बहुत दर्शन करते हैं लेकिन इन आंखों की सार्थकता इसी में है यदि हम इससे ठाकुर जी का दर्शन करें, ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करें। आप देखिएगा सवेरे मंगल आरती जब होती है यहाँ गोविंद देव जी की, हजार हजार भक्त यहाँ पर आते हैं, 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ज्यादा ज्यादा आधा घंटे के लिए ठाकुर जी का दर्शन खुलता है। लेकिन सवेरे सवेरे, आज तो विशेष करके बारिश भी हो रही थी, लेकिन ऐसे बारिश के मौसम में भी बड़ी जोर से बारिश हो रही थी भीगने वाली,
लेकिन ऐसे मौसम में भी भक्त लोग क्या करते हैं, छाता लेकर के भीगते भीगते ही सही अपने घर से दौड़े 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 आते हैं और गोविंद देव जी का मंगला दर्शन करते हैं, अपनी आंखों को धन्य कर रहे हैं। शास्त्र में इसलिए बताया, श्री सूत गोस्वामी द्वितीय स्कंद में कहते हैं कि बरहाई तेते नयने नराणा, इन आंखें जो आंखें हैं इन आंखों की सार्थकता किसमें है, बोले विष्णु विग्रह का दर्शन करने में, ठाकुर जी के शिव विग्रह का दर्शन करने में, भगवान के भक्तों का दर्शन करने में। अक्षुणताम फलम न परम विदामा, इन आंखों की और कोई सार्थकता है नहीं भैया, इन आंखों से यदि भगवान का दर्शन नहीं किया, बोलते ये आंख नहीं ये पांख है। मयूर पंख में देखो जैसे आंख का शेप होता है ना, लेकिन वो आंख जो दिखती है क्या उससे वो कुछ काम की है, वो कुछ काम की नहीं है। ऐसे ही इन आंखों से यदि साधु दर्शन नहीं किया, कृष्ण दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, तो ये आंखें भी निरर्थक रह गई। इन आंखों को कोई ना कोई रूप दर्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। आंखें कभी भी बंद रह सकती हैं, आंखें कभी भी अपने विषय को छोड़ करके रह सकती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देखेंगी ही। लेकिन इनको सर्वश्रेष्ठ इनका जो पात्र है देखने के लिए वो क्या है, ब्रज ठाकुर जी का श्री विग्रह। और ब्रज गोपियां तो क्या कहती हैं, बोले वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, अरे भैया जो ब्रज के जो राजा है उनके जो बेटे है ना, उन बेटों का दर्शन करना ही इन आंखों की सार्थकता है। अब यदि कोई प्रश्न करे, चक्रवर्ती पाठ टीका में कहते हैं कि बलराम जी तो नंद बाबा के बेटे नहीं है, बलराम जी किसके बेटे हैं, किसके हैं, शिरोहिणी के, वसुदेव जी के। तो यहां पर जब ब्रजेश सुतयो कहा है, ब्रज के राजा के जो बेटे हैं, तो बलराम जी को क्या ब्रजेश सुतयो कहना ठीक है, चक्रवर्ती पाठ टीका में कहते हैं हाँ, क्योंकि उन्होंने कोट दिया है, बोले हरिवंश पुराण में श्री वसुदेव महाराज को भी विराट गोधन का अधिकारी कहा गया, इसके कारण वो भी ब्रज के राजा हैं। दूसरी बात, जब कृष्ण के जन्म के उपरांत नंद बाबा वसुदेव महाराज से मिलने गए थे, कंस को कर देने जब गए थे, तो उस समय पे भी वसुदेव महाराज ने स्वयं कहा है, बोले देखो मेरी स्त्री, मेरी पत्नी रोहिणी और उसका पुत्र तुम्हारे नंद भवन में ही है और तुम उसे पितावत स्नेह करते हो। इसका मतलब स्वयं वसुदेव महाराज भी नंद बाबा को बलराम जी का पिता अनुमोदन कर रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कई सारे वहां पर उन्होंने तथ्य देकर के बताया कि बलराम जी को ब्रजेश सुतयो कहना अनुचित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ब्रज गोपियों के मन में यही भाव है कि कृष्ण बलराम का दर्शन करो, इन आंखों की सार्थकता क्या कृष्ण बलराम का दर्शन करने में है, ब्रज गोपियों के मन का क्या ये भाव है? यहां जो ब्रजेश सुतयो शब्द है इसकी बड़ी सुंदर बड़ी विस्तृत व्याख्या करिए, बोले नहीं भैया, ब्रज गोपियों ने तो अपना मनोभीष्ट तीसरी लाइन में वर्णन कर दिया, क्या बोले वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम, अनुवेणुजुष्टम अर्थात दोनों में से जो वेणु अपने मुखारविंद पर धारण करते हैं, जो वेणु वादन करते हैं, वेणु वादन करने वाले का दर्शन करना ही इन आंखों की सार्थकता है। अब बताओ कृष्ण बलराम में से वेणु वादन कौन करता है, कौन करता है? अर्थात ब्रज गोपियां तो ये कहना चाहती है कि इन आंखों की सार्थकता इसी में है कि उस ब्रजेश सुत श्री कृष्ण जो कि वेणु वादन करते हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं, उनका यदि कोई दर्शन कर ले तब जाकर के आंखें धन्य हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री चक्रवर्ती पाद ने इसलिए यहां पर कहा अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, मोक्ष शब्द आया है, मोक्ष मतलब समझते हैं, मोक्ष मतलब निवृत्ति पाना, मतलब छुटकारा मिल जाएगा। यहां ब्रज गोपियों का भाव व्यक्त करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रज गोपियों को किससे मुक्ति मिलेगी, ब्रज गोपियों को उनके हृदय में जो लज्जा है, जो मर्यादा है, जो गुरुजनों का भय है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? बोले जब वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए उपस्थित होंगी, इस घर जंजाल को छोड़ करके यदि कोई कृष्ण दर्शन के लिए उपस्थित हो, और कृष्ण क्या करेंगे, बोले अपने भूभंगिमा से, अपने जो कमल नयन है उन कमल नयन से, अनुरक्त नयनों से भक्त की ओर दृष्टिपात करेंगे, भक्त की ओर दृष्टिपात करेंगे। और केवल मात्र कृष्ण ही भक्त को देखेंगे ऐसा नहीं है, भक्त भी तो कृष्ण की ओर दृष्टिपात करेंगे।
तब जब दोनों एक दूसरे की ओर ये दृष्टिपात करेंगे तो दृष्टिपात करने से क्या होगा, भले ही शुरू शुरू में ब्रज गोपियों के मन में भय हो कि हमें लज्जा है, गुरुजनों का भय है, हमारे अन्य अन्य कई सारी बाधाएं हैं, लेकिन कृष्ण एक बार यदि किसी के ऊपर कटाक्ष कर दें तो उनके नयन द्वारा जो बाण चलते हैं ना, वो बाण भैया ऐसे हो जाते हैं बांके बिहारी को एक बार देख करके जगत की चिंता नहीं रहती, जगत की चिंता नहीं रहती। भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान की कृपा पात्र होने के बाद में, गुरुजनों की कृपा पात्र होने के बाद में, संसार और क्या कहता है चिंता नहीं। संसारिक लोग भक्तों को पागल कहते हैं और भक्त लोग संसारी लोगों को पागल कहते हैं, ये स्वाभाविक है। इसलिए अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अर्थात कृष्ण यदि ब्रज गोपियों के प्रति कटाक्ष करेंगे, उनके प्रति अनुरक्त नयनों से, भूभंगिमा से यदि दृष्टिपात करेंगे तो ब्रज गोपियां भी उनके और जब दृष्टिपात करेंगी तो इस दृष्टिपात के द्वारा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति मिलेगी, बोले भय लज्जा मर्यादा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये श्री चक्रवर्ती पाद ने वर्णन किया। और एक विशेष भाव, सबसे विशेष भाव, चक्रवर्ती पाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो तो भैया कोई साधारण है नहीं, श्रीमन महाप्रभु की धारा में आकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए हैं, लेकिन श्री राधा रानी के सहचरी हैं, राधा कृष्ण की लीला में उनकी मंजरी है। तो अपने मंजरी भाव में ही मानो जब इसका अर्थ करते हैं तब वो कह रही हैं कि आंखों की सार्थकता तो इसमें है कि कृष्ण का दर्शन नहीं, वहां जब ब्रजेश सुतयो आया है, द्विवचन आया है, तो यहाँ द्विवचन का मतलब क्या है, बोले राधा कृष्ण का मिलित दर्शन यदि कोई करे तब जाकर के आंखों की सार्थकता है, क्योंकि ब्रजेश सुतश्च ब्रजेश सुताश्च, ब्रजेश सुत ब्रज के राजा नंद बाबा भी हैं और ब्रज के राजा श्री कृष्णानु महाराज भी हैं। इसीलिए ब्रज के राजा के पुत्र श्री कृष्ण और ब्रज के राजा की पुत्री श्री वृषभानु नंदिनी, इन दोनों के दर्शन अगर कोई करता है तो इन दोनों के दर्शन करने में ही आंखों का सर्वश्रेष्ठ फल है, आंखों की सार्थकता है। अब यदि कहो अनुवेणु जुष्टम, जो वेणु वादन करते हैं, तो भैया शास्त्रों में वर्णन आया है गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथों में, जी गोस्वामी कहते हैं कि वेणुनाद कृष्ण भी करते हैं और राधा रानी भी करती हैं। कभी कभी कृष्ण जब वेणुनाद करते हैं तो राधा रानी उनके हाथ से वेणु लेकर के और स्वयं वादन करती हैं, और उसी वेणुनाद वेणु को लेकर के पुनः श्री कृष्ण भी वादन करते हैं। तो अनुवेणु जुष्टम, दोनों जो वेणुनाद करते हुए एक दूसरे के ऊपर कटाक्षपात कर रहे हैं, ऐसा सुंदर युगल दर्शन यदि कोई करे, मंजरी भाव, मंजरियों के मन का भाव है, उन्हीं की ही आंखों का सार्थकता है। और यदि ये युगल दर्शन, ये सुंदर स्वरूप किसी ने दर्शन नहीं किया है तो ऐसे में उनकी आंखें क्या है, निरर्थक है। इसलिए बहुत विस्तृत, बड़े सुंदर सुंदर, देखो ये हमारे गौड़ीय वैष्णव के हृदयगत भाव है, ये एक अमूल्य संपत्ति है, और विशेष करके हमारे परम गुरुदेव ने इस संपत्ति को खुले हाथों से वितरण किया है, खुले हाथों से वितरण किया, बड़े ही सुंदर सुंदर ग्रंथों को, वेणुगीत, रास पंचाध्यायी, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, कितने सारे ग्रंथों को प्रकाशित करके हमें ये सब ग्रंथ श्रवण कीर्तन का सुयोग प्रदान किया है। हमें इस अमूल्य संपत्ति को धारण करने के लिए थोड़ा आधार बनाना चाहिए। हमारे गोस्वामी ने जो एक अमूल्य संपत्ति दी है, ऐसा रत्न हमें दिया है, हम कम से कम उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भित्ति, एक आधार प्रस्तुत करके और उसके उसको अध्ययन करने के लिए, उसके अंदर प्रतिष्ठित होने के लिए प्रचेष्टा करें, यही गुरुवर्गों के चरणों में प्रार्थना है। ये क्या करके वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अरे श्यामानंद प्रभु जी कहाँ गए, श्यामानंद कहाँ, बोला लो, एक बड़ी कीर्तन कर देते हैं, सब ताली बजाते हुए बोलो, बोला हरे कृष्णा, क्या ही बने प्रभु जी का महामंत्र, क्या ही हरे कृष्णा, लो कृष्णा कृष्णा हरे, एक इमाकी माइक दे दो, आगे माइक।
Krishna Krishna Hare नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल प्रणाम करता हूँ। आज जिनका शुभ तिरोभाव तिथि है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु के चरण में साष्टांग नमन प्रणाम। उपस्थित हरिकथा स्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में अधम का कथा जो के दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे ये कृष्ण के वेणु माधुरी। ये माधुर जी को बड़े सुंदर रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद ने वेणु गीत के अंतर्गत 19 श्लोक में वर्णना करते हैं, लेकिन जब व्यास देव जी इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं, श्री वेद व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं जन्म आदि अस्य, जो आदि रस को स्थापन करने में यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अपराकृत कवि हैं, फिर भी हमारे जो गौड़ीय गुरु वर्ग, हमारे जो गौड़ीय गोस्वामी वर्ग एक स्टेप आगे बढ़ करके सुखदेव गोस्वामी पाद जिस मर्यादा में बोल नहीं पाए जो जो बात को हमारे ये गौड़ीय गुरुवर्ग श्री रूप गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्होंने और विस्तृत रूप में वो सारे लीला को वर्णन किया। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ जो कवियों में जो श्रेष्ठ कवि हैं ये तो हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग हैं, ये हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्ग हैं। इसलिए ये वेणु गीत को विशेष रूप में जब ये भागवत को भागवत स्वरूप में जब कृष्ण लीला को वर्णन कर रहे थे हम लोग श्रवण करते हैं एक झलक में सारे कृष्ण लीला स्फूर्ति हुआ सुखदेव गोस्वामी को। तब स्फूर्ति होता है
इतने में सुखदेव गोस्वामी पाद ने उसमें कुछ क्रम भंग कर दिया, जैसे कृष्ण काली दमन लीला किए थे उसके पहले किए थे दाम बंधन लीला, तो ये जो क्रम भंग मतलब जो भाव भी होना हो गया तो क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उसको फिर हमारे रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग रूप गोस्वामी अनुगत्य में जीव गोस्वामी पाद ने उसको बड़े सुंदर रूप में गोपाल चंपो में उसका क्रम को लिखा, ये लीला हुआ माखन चोरी, उसके बाद ये लीला हुआ, ये माखन चोरी के बाद फिर वो दाम बंधन लीला हुआ, उसके बाद काल्य दमन लीला हुआ, ये एक एक लीला को फिर क्रमशः बड़े सुंदर रूप में क्रमशः को वर्णन करते हुए जीव गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर रूप में वेणु गीत का भी वर्णन किया। हमारे छह गोस्वामी हैं, उनमें से जो जीव गोस्वामी ये हमारे सिद्धांत के आचार्य हैं, इन्होंने बड़े सुंदर रूप में एक वेणु गीत का एक सिद्धांत दिया। अभी गुरु महाराज जी एक इंगित मात्र कर रहे थे, कृष्ण के पास तीन वंशिया होते हैं, सुखदेव गोस्वामी पास कृष्णा चक्रवर्ती के ठाकुर के हिसाब से गुरु जी बता रहे थे तीन वंशिया होते हैं, लेकिन वहां पर जीव गोस्वामी पाद ने पांच वंशी का निरूपण किया, थोड़ा सा और आगे बढ़कर के निरूपण किया। बोले कैसे, कहते हैं मैया का जो भाव है, मैया यशोदा मई मणिमन सरस्वती भाई मेरे लाला, ब्रज में मैं रानी हूं, तो मेरा लाला क्या है, ब्रज का क्या है, कृष्ण कौन है, ब्रज का राजा है, तो राजा के पास तो बांस का वंशी थोड़ी ना शोभा देता है, इसलिए मैया का भावना है सोने की वंशी देते हैं, कृष्ण के हाथ में मैया सोने की वंशी देते हैं ताकि पता चले कि राजाओं का एक अलग ठाट, राजाओं का एक अलग स्वभाव को पता चले। तो सखाओं के पास जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं तो सखा लोग देखते हैं यह सोने की वंशी, अरे वहां पर तो सारे सखाओं के पास एक एक वंशी है, जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं सारे सखाओं के पास एक एक वंशी है, यहाँ तक की वर्णन किए बलदेव प्रभु के पास भी एक वंशी है, पर किस लिए वंशी धारण करते सखा लोग, बोले कभी कभी ये क्या करते हैं सख्य भाव में पूर्ण वसी होते हैं, इसलिए कृष्ण बीच में अगर वंशी बजाने लगते हैं तो सखा लोग कहते हैं मधुमंगल सीता अरे तू क्या वंशी बजा रहे, तुझसे अच्छा तो हम बजा रहे, देख लेकर के वंशी बजाना शुरू करते हैं। दूसरा भाव जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं अरे इनके जो एक एक गाय का नाम है 9 लाख गाय को बुलाएंगे कैसे, इसलिए उसी प्रकार के घोष के रूप में उस वंशी को वादन करते हैं सखा लोग भी और अपने अपने गाय को बुलाते हैं, इसलिए सखाओं का एक एक वंशी है, सखा लोग कहते हैं कन्हैया लाला तेरा सोने का वंशी और हमारे भिखारियों की तरह हुई बांस का वंशी, भैया जोड़ी तो जम नहीं रहा है, बोले तू अलग हम अलग, कृष्ण कहते हैं भैया अलग तो गाय चरा हो ही नहीं सकता, बोले कैसे करना पड़ेगा, वंशी को उतार दे इसको रख, इसको ये सोने की वंशी को रख दे, घर में जब जाएगा तो कोई बात नहीं मैया ने दिया है तो उसको रख दे, अभी जब तक तू गोचारण कर रहा है तो हमारे ये वेणु को धारण करना पड़ेगा। ये है सख्य भाव वाला वेणु। एक वेणु होता है मणिमयावी, गुरु महाराज जी जो बता रहे थे मणिमय वंशी, ये होता है खानदानी समझ रहे हैं, राजा के पास एक खानदानी तलवार रहता है, बहुएं को तो पता होगा सास खानदानी सोना चांदी जेवरात देते ही हैं, देते हैं कि नहीं, नहीं देते आजकल, पहले जमाने में दिया करते थे, इसलिए एक एक जो राजा होते हैं उन राजाओं के पास एक एक प्रकार का जो आभूषण विशेष होता है जो राजा का राजपुत्र को ही मिलता है। अब मैं उन नंद बाबा का पिता पर्जन्य महाराज उनके पास जो हो, क्योंकि ये गोपाल हैं गोप लोग हैं इसलिए इनका वंशी मूल है, इसलिए उनके पास जो मणिमय वंशी था वो राजा बने नंद बाबा, इसलिए नंद बाबा के पास वो वंशी आया। जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं नंद बाबा के बाद राजा कौन बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, इसलिए नंद बाबा वो मणिमय वंशी को देते हैं कृष्ण को, यह है खानदानी वंशी। और एक वेणु होता है जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं जो कृष्ण बड़े सुंदर रूप में गोपियों के साथ बड़े सुंदर रूप में उस वंशी को वादन करते हैं, इसलिए अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ये जो वेणु गीत की जो महिमा है, इसमें गोपियां बड़े सुंदर रूप में पक्षियों को महिमा गान कर रहे हैं, अरे ये पक्षियों को देखो, अरे पक्षियों की बात तो छोड़ो, ये हमारे घर में ही रहने वाले हम भी रहते हैं ये भी रहते हैं, ये गायों का क्या स्वभाव है, गाय बछड़े को देखो, अरे हिरण का क्या स्वभाव है इनको तो देखो, इस सबको एक 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 करके बोलते 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 बाद में भृंग का महिमा को वर्णन करते हैं। भृंग मतलब भंवर के महिमा को श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन करके कहते हैं अस्मिन् बने तु भृंग मुनयो प्रतिष्ठा कृष्णस्तु तद्गुरु रीति प्रणतम प्रतिमा नैवान्यथा तद्मुना किमपि प्रतीतम
स्तुतेन कुर्यात् श्रुणयम् परितो निविष्टा। गोपाल संपूर्ण श्लोक है, उसमें वर्णन कर रहे हैं अस्मिन् वने तो भृंग मुनयो प्रतिष्ठा। अरे हमारे वन के ये जो भृंग सब है, जो भ्रमर है, वो एक एक बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं। तो जीव गोस्वामी पाद फिर से प्रश्न उठा रहे हैं, भैया ये ऋषि मुनि का क्या इतना सौभाग्य हो गया? अरे हम लोग सुनते हैं प्रेम सरोवर की लीला, प्रेम सरोवर में जहाँ कृष्ण और राधा रानी विहार कर रहे हैं, और उसी समय पर राधा रानी कृष्ण के वक्ष स्थल पर सर रख करके केवल विश्राम मात्र कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते ही होंगे उसी समय एक भ्रमर आ गया। तो कृष्ण कहते हैं इस भ्रमर को हटाओ, ऐसा ही है तो लीला कुछ, कृष्ण कहते हैं इस भ्रमर को हटाओ। तब मधुमंगल जाके भ्रमर को हटाए, तो मधुमंगल कहते हैं मधुसूदन को हटा दिया। मधु को जो मधुसूदन, एक मधुसूदन मतलब जो मधु को शोषण करते हैं, यानी जो भ्रमर को मैंने हटा दिया। लेकिन राधा रानी कृष्ण के साथ भी हैं, और राधा रानी को, राधा रानी सोचने लगे मधुसूदन चले गए, मतलब कृष्ण के साथ होते हुए भी जो विरह दशा हुआ, और उसके बाद राधा रानी मूर्छित हो जाते हैं, जिसके लिए तीन भाव को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु बन करके कृष्ण को आना पड़ा। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं क्या साधारण मुनि हो सकते हैं? अरे जिन मुनि ब्रह्मा जहां पर आकर के इस वृंदावन में पत्थर होने की कामना करते हैं, जहां पर शिवजी आकर के गोपी बने हैं, उद्धव जैसे महाभागवत, उनसे बड़ा मुनि भैया कौन हो सकता है जो यहाँ पर लता बनने की कोशिश कर रहे हैं? और जो भ्रमर मयूर, जो भ्रमर जो आकर के कृष्ण इतने बड़े लीला में प्रवेश किया, ये साधारण है? अरे हाँ कि नहीं? कोई हाँ कह रहे हैं, कोई नहीं, कोई सर हिला रहे हैं, कोई ऐसे, अरे हाँ कि नहीं? नहीं साधारण नहीं तो फिर कौन है? साधारण नहीं तो फिर ये लोग कौन है? तो इसके टीका में ही कह रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग मुनियों का भी मुनि है। तस्मात मुनियो मुनि ऋषयाम गोप्य उच्चते, कह रहे हैं यहाँ पर से जीव गोस्वामी पाद ये लोग मुनियों के भी मुनि है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अरे जिन मुनि लोग बड़े बड़े तपस्या करके, बड़े बड़े स्तुति करके कृष्ण के उस ब्रह्मा के दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाते, उस दुर्लभ चरण को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन ये मुनि कौन है? बोले अरे कृष्ण जिन गोपियों के चरण में पड़ते हैं वो लोग मुनि हैं। मतलब मुनियों का भी मुनि ये गोपियां हैं। समझ में आया कि नहीं? ये साधारण मुनि नहीं है भैया, साधारण ऋषि मुनि का इतना बड़ा सौभाग्य नहीं रहा कि कृष्ण लीला में आकर के लीला सहायक कर। बोले कौन है ये? बोले ये गोपियां भी है, ये गोपियां ही मुनि रूप धारण किए हैं। बोले गोपियां मुनि रूप कैसे धारण किए? बात थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो फिर खुद ही इस बात का समाधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुनि कौन है? बोले ये गोपियां ही है। ये गोपियां में सारे अष्ट सिद्धि, सारे शक्ति का, इस गोपियां के हृदय में सारे शक्तियां हैं। ब्रह्मांड के जितने शक्ति ये गोपियां के हृदय में विराजमान है। इसीलिए इस जगत में देखना कोई एक जादूगर, कोई एक कलाकारी, वो अपने कलाकारी जादूगरी से हम लोग को भ्रमित कर देता है, कर देते हैं कि नहीं? इस जगत में कोई तंत्र विद्या करते हैं, अनिमा मनीमा जितने अष्ट सिद्धियां है सबको प्राप्त करने के लिए कितने सारे प्रयास करते हैं, लेकिन भैया धन्य ये गोपियां जिनके चरणों में ही अष्ट सिद्धियां है, अरे जिनके चरणों में ही नवनिधियां है, तो ये रूप धारण करने में सामर्थ्य नहीं हो सकते, कहा जा सकता क्या? जब ये गोपियां मन ही मन विचार करते हैं, ओहो ये भ्रमर का क्या महिमा है, काश हम भ्रमर बन जाते हैं, तो उसी क्षण ही गोपियां का जो हृदय का भाव है, वो मन रूपी जो हृदय में कृष्ण रूपी जो प्रेम है, वही भ्रमर बनते हैं, वही भ्रमर बनते हैं। और ये भ्रमर का सौभाग्य को तो देखो क्या सौभाग्य है, कृष्ण वेणु बजा रहे, ठाकुर वेणु बजा रहे हैं, और जब वेणु बजाते हैं त्रिभंग ललित रूप में ठाकुर खड़े हुए हैं। ठाकुर के बड़े सुंदर, भी सुन रहे थे ना, बड़े सुंदर वैजयंती माला है, और ठाकुर के मुखमंडल बड़े सुंदर शोभा है। ये भ्रमर एकदम से वृंदावन में प्रवेश करते हैं, कोई तो कृष्ण के हाथ में, कोई कृष्ण के उस गुंजा माल में, कोई कृष्ण के मुखड़े में, कोई कृष्ण के झुमके में, भ्रमर है, रोक टोक है नहीं। अच्छा चलो गाय का रोक टोक है, गाय तो चढ़ नहीं जा सकता ना भाव में, हिरण तो चढ़ नहीं जा सकता, मोर पशु पक्षी चढ़ नहीं सकते, लेकिन ये भ्रमर का सौभाग्य है, वो कृष्ण संयंग में लग जाना चाहते हैं, अपने भाव को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए भ्रमर लग जाते हैं, श्रीअंग में लग जाते हैं। जब लग जाते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भ्रमर बड़े सुंदर, लास्ट में कह रहे हैं कि स्तुतियां श्रुण हुयो, कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो क्या स्तुति करते हैं कृष्ण की?
कृष्ण की स्तुति करते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं बैनो बजाते हैं, तो ये वृंदावन में बैनो बजाते समय ही ये भ्रमर भी गुंजन करते हैं। बड़े सुंदर रूप में ये सारे भ्रमर बड़े सुंदर रूप में गुंजन करते हैं। जब गुंजन करते हैं उस बैनो के ताल पर गुंजन करना शुरू करते हैं, मानो बैनो तो बजा रहे हैं यार यहाँ पर बड़े सुंदर झंकार हो रहा है। तो बड़े सुंदर गुंजन करके कृष्ण के कान में जाकर स्तुति करते हैं। बोले कैसा स्तुति करते हैं, कहते हैं श्याम सुंदर आप बहुत आपकी जय हो। कृष्ण का कलर उठ गया, भैया मेरा जय जयकार हो रहा है। कहते हैं श्याम सुंदर आपकी जय हो, जगत में आपके कल्याण, जगत में आपके खूब जय जयकार है और आप बड़े सुंदर दिखने वाले हो, आप बड़े सुंदर मोर मुकुट धारण करने वाले हो, आपका बढ़िया सुंदर अधम पीताम्बर वस्त्र है, सारे बढ़िया बढ़िया कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। कृष्ण सोचते हैं वाह जी वाह, भ्रमरों ने तो बढ़िया सुंदर स्तुति कर रहे हैं। लास्ट को कहते हैं अरे कृष्ण आपकी जय हो, अरे हमारे स्वामिनी राधा रानी के जब जैसे ही आते हैं तो आप अपने मोर मुकुट राधा रानी के चरणों में रख देते हैं, आप अपने बंसी राधा रानी के चरणों में रख देते हैं, और ये जो आपके जो पीताम्बर वस्त्र है ना जगत को, ये जो बड़े सुंदर दिखने वाले ये पीताम्बर, ये भी ढीली हो जाती है, ये भी गिर जाती है, आप संभाल नहीं पाते हो, आपके जो मोर मुकुट है ना ये भी झुक जाती है, हाँ ये भी झुक जाता है, इसलिए आप बढ़िया अच्छा हो क्योंकि राधा रानी के सामने आपका सब गिर जाता है। स्तुतियां करते हैं लेकिन राधा परक स्तुतियां करते हैं, क्यों? क्योंकि ये गोपियां हैं। राधा पक्षशाली जेभावे सेवावे, जे जन से जन जेभावे सेवावे थाके, आमी तो सर्वदा राधा पक्षपाती कभू नहीं हेरी ताके। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये राधा पक्षपातियां हैं, ये राधा पक्षपाती हैं, इसलिए ये राधा पक्ष क्या करते हैं, कृष्ण के सामने जाकर के राधा रानी के महिमा को स्तुति करते हैं। सुदाम मधुमंगल सुनते हैं ये सारी चीज, रुको 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 भ्रमर को हटाओ। क्यों भैया, बंसी बजाओगे तुम, इतने कष्ट करोगे तुम, भ्रमर उड़ करके आएंगे और ऊपर से ताना मारते हुए राधा रानी की महिमा कहेंगे, बंद करो ये इसको। जब कृष्ण बंद कर देते हैं तो कह रहे हैं कि रोमांच बनिता मुदा गुरुतम धुनयो बंसी कला आस्वादनम एवं परम करोति। रोमांच हो जाता था, मतलब वो जो बैनो सुनते हैं जो भ्रमर लोग, उनको रोमांच हो जाता, सुदबुद्ध हो जाते हैं और उसमें डूबे जाते हैं। तो कृष्ण बैनो बजाए, सखा लोग बोले बंद करो इसको। अब जैसे ही बंद हो गया, उनके रोमांच जो दशा है भैया, कोई एक बढ़िया सा बढ़िया, आप गर्मी में आए हो, आप बोलोगे मुझे थोड़ा शरबत पिलाओ, मैंने आपको एक गिलास शरबत दिया, एक घूट पियो, खींच करके ले लिया मैंने, अब कैसे क्या करोगे आप, तो लड़ाई कर लोगे पक्का, करोगे कि नहीं? अरे हाँ या नहीं, जोर जबरदस्ती करोगे तो बोलोगे, तो रिक्वेस्ट तो करोगे प्रभु जी दे दो गला सूख जा रहा, इतना तो बोलोगे, निश्चित रूप में बोलोगे। मैया मैया के लड़कियों के लड़कियों के माता जी के बीच की बात हो तो पता नहीं चोटी वोटी खींच करके क्या क्या करेंगे। लेकिन ये लोग जब ये जो भ्रमर अभी बेणु ध्वनि सुन रहे थे, राधा रानी का महिमा को गुणगान कर रहे थे, सखा लोग बोलते हैं बंद करो इसको। जब बंद हो गया तो कुछ भ्रमर तो मूर्छित होके वहीं गिर गए। कुछ भ्रमर वहां आर्गुमेंट करते हैं, क्या आर्गुमेंट करते हैं, कहते हैं कृष्णस्तु तद्गुरु रीति प्रणतिम प्रतिमा। बोले कहते हैं कि हे कृष्ण आपने ये बैनो ध्वनि क्यों रोक दिया? बोले मेरा इच्छा है मैं बजाऊं नहीं बजाऊं, तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले, मेरा इच्छा है मैं बजाऊंगा भी नहीं भी बजाऊं, मेरा इच्छा बंद कर दिया मैंने, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं मैं। तो अच्छा आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, लेकिन आपका और हमारे बीच में अलग एक संबंध है। भ्रमर कहते हैं हे कृष्ण आपका और हमारे बीच में अलग संबंध है। भैया अलग संबंध क्या है? कह रहे हैं कि कृष्णस्तु तद्गुरु रीति, बोले आपका और हमारे बीच में गुरु शिष्य का संबंध है। कृष्ण कहते हैं हाँ, जगत के लोग तो कहते हैं वंदे कृष्ण जगत गुरु, अरे जगत के लोग तो मुझे गुरु मानते ही हैं, तुम भी मान लिया तो अलग संबंध कैसा हो गया? तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हम लोग गुरु हैं आप चेला हो। कह रहे हम लोग गुरु हैं आप चेला हो, तो कहते हैं कि तुम लोग गुरु मैं चेला, अरे जगत के लोग मुझे गुरु मानते, तुम बोल रहे तुम गुरु भैया कैसे तुम गुरु? बोले यहाँ पर बड़े सुंदर रूप में ये लोग कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि देखो हम और गुरु चेला के भावना के सुन लो। बोले आप वृंदावन में भ्रमण करोगे, मानो किसी समय पर राधा रानी मान कर लिया और मानो रूप मंजरी को बोल दिया कि रूप मंजरी कृष्ण आ रहे हैं अभी, कृष्ण को अंदर मत छोड़ना, मानो रूप मंजरी को ऐसे अगर बोल दिया
इस प्रकार बोल दिया तो रूप मंजरी आपको तो छोड़ेगी नहीं और कोई मंजरी आपके पास सुनेंगे नहीं, चाहे आप लाख गिड़गिड़ा हो, कोई सखिया हो, कोई आपके काम काम के तो आने वाले नहीं, बोले तब हम आपके काम में आने वाले। हम सारे जगह पर स्वच्छंद रूप में भ्रमण करते हैं इसलिए हमें पता है कौन से वन में हमारे स्वामिनी जी हैं, चुपके से आके आपके कान में बोल देंगे, ये कुंज में हमारे राधा रानी, चुपके से आके बोल देंगे। बोले बोलोगे तो बढ़िया, बोले तब हो गए ना गुरु शिष्य, हम आपको उपदेश दे दिया, बोल देना हम हो गए ना गुरु शिष्य। कृष्ण कहते हैं भाई भविष्यत में कब बनोगे तुम, अभी से यहाँ पर हक जमा रहे हो, अभी तो बने नहीं ना, कभी बनोगे तुम। तब भ्रमर लोग कहते हैं, जब कृष्ण की इस बात को सुनकर भ्रमर लोग का भी ब्रिकेटी टेढ़ी हो जाती है, भ्रमर लोग कहते हैं अरे इतना बोल दिया तुम भी सब तक भी, तुम्हें श्याम सुंदर समझ में नहीं आ रहा है तो सुन लो, हम जाकर के राधा रानी को चुगली कर देंगे। क्या चुगली करेंगे? बोले हम चुगली कर देंगे कि ये कृष्ण आपसे बिना बताए चुपके चुपके चंद्रावली कुंज में चला जाता, बोले ये जानबूझ करके हम इधर उधर की राधा रानी के कान में भर देंगे और मान करेंगे, देखते रहना। जब इतने बात को सुनते हैं कृष्ण तब क्या कह रहे हैं यहाँ पर से जीव गोस्वामी, चरणम पंकज कामदम पद्म चर्चित अर्पितम धरणी मंडित ध्याय मामितम भृंग। यहाँ पर बड़े सुंदर रूप में कह रहे हैं, अरे चरण पंकज कामद पद्म चर्चित अर्पितम, पद्मा मतलब लक्ष्मी जिनके चरण कमल को प्रणाम करते हैं, ऐसे कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऐसे अपने चरण को पूजने पूजाने वाला कृष्ण भी वहां सब भूल जाते हैं, अरे वो लक्ष्मी को छोड़ो, वो ब्रह्मा को छोड़ो, ये शंकर वंकर के इन लोगों को छोड़ो भैया, इनके आपस की बात है, इस सबको छोड़ दो, कौन लक्ष्मी मैं नहीं जानता, उनको छोड़ो। बोले वही कृष्ण भी क्या करते हैं, अपने मोर मुकुट और वंशी को लेकर के उस ब्राह्मणों के चरणों में रख देते हैं, उस ब्राह्मणों के चरणों में रख देते हैं और क्या कहते हैं कि धरणी मंडितम ध्यान मंडिता भृंगम। बोले हे भृंग तुम लोग धन्य हो, है तुम लोग धन्य हो, तुम गुरु हो और मैं आज तुम्हारा चेला बन गया हूं, तुम गुरु हो गए मैं चेला, निश्चित रूप में मैं स्वीकार कर लिया। इस चीज को जब हमारे कौन स्थापन कर रहे हैं, ये हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्ग स्थापन कर रहे हैं। भैया जिन भ्रमरों को चरणों में कृष्ण झुक जाते हैं, जिन भ्रमरों राधा रानी को निवृत्त निकुंज लीला में चले गए प्रेम सरोवर में, वो क्या साधारण मुनि है? अरे साधारण ऋषि है क्या? साधारण हो सकते हैं क्या वो? कभी वो साधारण नहीं है, क्योंकि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं जस्यापि पदना जस्या खेल नित्य धन्य धन्य पवन कृतार्थ मानी जोगिंद्र दुर्गम अति मधुसूदन। प्यारे कृष्ण के जो चरण कमल जोगिंद्र दुर्लभ, जोगियों के में भी दुर्लभ, तो वहां क्या साधारण जोगी की बात कर रहे हैं? साधारण जोगियों की बात नहीं कर रहे हैं, जोगियों में जो इंद्र जोगिंद्र दुर्लभ, अरे जोगियों में इंद्र जो शिवजी के लिए भी, जोगियों के इंद्र शिवजी है ना, शिवजी के लिए भी जिन कृष्ण के चरण कमल दुर्लभ है, भैया ऐसे ये साधारण भ्रमर क्या मुनि हो सकते हैं? साधारण वृंदावन क्या पक्षियां ये क्या मुनि हो सकते हैं? हाँ ये मुनि नहीं है, गोपियों का एक एक भाव ही ये मुनि, ये क्या करते हैं भ्रमर रूप बनते हैं, कभी गया रूप बन जाते हैं, कभी पक्षी रूप बन करके कृष्ण के साथ लीला करते हैं। बस मैं अब 2 मिनट लूंगा, अभी तो भोग लग रहा है। उसी क्रम से हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्ग के क्रम से आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज सुबह तिरुभाव तिथि, आप लोग नाम सुने हो? सुने हो आप लोग नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों से एक हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, हम लोग प्राय करके सारे चरित्र को जानते हैं, लेकिन इसमें एक शिक्षा वाला बात है। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, वहां पर रास्ते में बुद्ध लोग भी मिले, मायावाद भी मिले, कुछ कुतर्कियों लोग भी मिले, लेकिन जो महाप्रभु के संस्पर्श में आ गए सबको महाप्रभु ने ऐसे देखने मात्र से ही सब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। अब चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में आप 9वें परिच्छेद में पढ़ करके देखना, महाप्रभु जा रहे हैं, लेकिन जो जो भी मायावादी लोग आ रहे हैं, वहां पर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, महाप्रभु को देखने मात्र से ही कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। महाप्रभु गए वेंकट भट्ट के घर में, हास परिहास में वेंकट भट्ट को बोलते हैं कि तुम्हारे लक्ष्मी तो नारायण के हैं, हमारे यहाँ कृष्ण के तो गोचरण करते हैं, कृष्ण के संग क्यों चाहते हैं? तब महाप्रभु ने बड़े सुंदर सिद्धांत को स्थापन किया कि कृष्ण सारे रस का रसोत्पत्ति है, रसो वही स है, इसलिए लक्ष्मी भी चाहते हैं कि कृष्ण के संग प्राप्त करने के लिए। ये प्रसंग हमने आज सुबह ही सुना था।
तो ये लोग कौन, जो वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती पाद और ये जो त्रिमल भट्ट है, ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, श्री संप्रदाय के उपासक थे। लेकिन जब महाप्रभु ने ये विचार को दिया, एक मिनट भी लगा श्री संप्रदाय को लक्ष्मी नारायण को उपासना को पकड़ के रखने के लिए? वहीं से छोड़ करके ऊपर उठ गए, उठेगी नहीं, एक क्षण भी लगा क्या? नहीं लगा, वहीं वहीं पर स्टॉप होकर के फिर सीर आगे रागानुगा भजन में प्रवेश किए। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया महाप्रभु का तो स्वभाव ही ऐसा है कि कोई कुतार्की की भी देखे तो उनको कृष्ण कृष्ण बोले, ये तो भक्त थे, ये भी तो कृष्ण कृष्ण बोले, इनमें बड़ी बात क्या है, इनमें बड़ी बात क्या है? तो कह रहे हैं कि महाप्रभु भक्त जत पति तपावन, महाप्रभु के जितने भक्त लोग तो पति तपावन है, उनके दर्शन स्पर्शन मात्र में तो और भी हमें कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहां पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, वहां पर टीका में बड़े सुंदर बात को बता रहे हैं, वो लक्ष्मी नारायण का आराध्य न करते थे, लेकिन जैसे ही उनको श्रेष्ठ रस का आस्वादन मिल गया तुरंत वहीं से ऊपर उठ गए। लेकिन हम लोग को ऐसा परिस्थिति है, हम लोग नव दुर्गा भी करेंगे, हम लोग गणेश पूजा की क्या हो व्रत भी करेंगे, हम तरह तरह की व्रत भी जानेंगे, हाँ फिर कृष्ण की भी उपासना शरण में आएंगे और तरह तरह की व्रत भी करेंगे हम लोग, और उसमें से हमको कोई बोलेगा कि जानते हो कृष्ण भगवान, अरे बहुत सुना है तुझे, मतलब जानते हो कृष्ण भगवान स्वयं है, कृष्ण के अधीन सारे देवा देवी हैं, अरे हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते हैं। कारण ये सारे विचार है कि हम लोग पूर्ण रूप में उसमें विश्वास नहीं है हमारा। दूसरा यहाँ पर शिक्षा बता रहे हैं, हम लोग सुने हैं किसी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सालग्राम शिला को लाए थे और सालग्राम शिला से कौन प्रकट हुए, जोर से राधा रमन लाल की, श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद मन ही मन विचार किए कि शायद मेरे अगर तो सालग्राम है और मैं अगर सालग्राम को अगर हृदय में अगर मैं उनके हृदय में आया कि ये अगर विग्रह होते तो मैं इनका श्रृंगार करता, यही तो, अरे यही तो, हाँ कि नहीं, पक्का तो, हाँ कि नहीं, देखो सुन लो, हमारे परम गुरुदेव, गुरुदेव हमारे गौड़ीय गुरु वर्ग का क्या वैशिष्ट है, कहाँ पर पकड़ते हैं वो देखो, कैसे राधा पक्षपाती हैं वो ध्यान देकर के सुनना। कहते हैं कि गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी। गदाधर पंडित पुरी में सेवा करते थे श्री तोटा गोपीनाथ जी को, आप लोग सौभाग्य हो तो जाना गोपीनाथ जी को दर्शन करना, सारे विश्व में कृष्ण को देखोगे त्रिभंग ललित शरीर स्वरूप में खड़े हैं, लेकिन वहां गोपीनाथ पद्मासन में बैठे हैं, कहीं और दर्शन, ये दुर्लभ दर्शन कहीं नहीं प्राप्त होने वाला है। तो कैसे ये सारे लीला हुआ कि गदाधर पंडित सेवा करते थे और उनको कमर झुक गया, कमर झुक गया तो पुष्पमाला श्रृंगार करने में उनको थोड़ा असुविधा हुआ, तो उन्होंने विचार किया मैं अब कैसे सेवा करूं। तब प्रातःकाल द्वार खोलते हैं तो गदाधर पंडित के भावना से कृष्ण गोपीनाथ बैठ गए। लेकिन विचार करो, जिन बात्सल्य प्रेम में मैया यशोदा ने एक दिन के लिए कृष्ण को बांधा था, दाम बंधन लीला किया था दीपावली के दिन, एक दिन के लिए बांधे थे, इसके लिए उनका नाम है दामोदर। लेकिन राधा रानी जिनको हर समय अपने प्रेम में, प्रेम रूपी रज्जु में बांध करके रखते हैं, प्रेम रूपी रज्जू में बांध करके जिनको रखते हैं, इसलिए उनका नाम है राधा दामोदर। भैया गदाधर पंडित कौन है, स्वयं राधा रानी है। तो गदाधर पंडित अगर कुछ इच्छा कर दिया, राधा रानी अगर कुछ इच्छा कर दिया, कृष्ण भैया बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग कहते हैं कृष्ण अगर वहां बैठ गए तो कौन सी बड़ी, भैया वहां सो जाए भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि कहीं भाग के भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये राधा रानी है, उनके प्रेम में वशीभूत हो गए। तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं उसी गदाधर पंडित के अनुगत्य में ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये गुण मंजरी हैं, ये अनंग मंजरी हैं। कृष्ण अगर भ्रमरों के चरण पकड़ सकते हैं, कृष्ण अगर रूप मंजरी के चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि लीला निकुंज कुहरे भवती मुकुंद चित्रे व सुचितावती रुचिराक्ष नाम भृगनाम भ्रुवाम न रचयेत मृषा दुषा त्वम अग्रे ब्रजेंद्र कनये तदाम नश्य। कृष्ण अगर रूप मंजरी के चरणों में पकड़ करके गिणगिणा सकते हैं, अगर ये रूप, ये गुण मंजरी इन्होंने चिंता किया और कृष्ण अगर सालग्राम से विग्रह हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। कह रहे हैं इनमें इन्होंने
कृष्ण को अगर इच्छा किया, गुण मंजरी है, तो इन्होंने अगर कृष्ण को इच्छा किया कि सालग्राम से अगर विग्रह बन जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये है हमारे गौड़ीय सिद्धांत। यहाँ पर हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग आकर के रुक जाते हैं, यहाँ पर महिमा दिखाते, भैया कृष्ण से भी ज्यादा ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की महिमा है, ये कृष्ण से भी ज्यादा ये रूप गोस्वामी जी की महिमा है, बोले जिनके चरणों में कृष्ण पढ़ करके प्रणाम करते हैं, ये हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग का विशेष देन है। इसलिए आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। इन्होंने विशेष रूप में अर्चन पद्धति, आज जो हम अर्चन कर रहे हैं, सत्क्रिया सार दीपिका और हरि भक्ति विलास दो खंड में 20 विलास में इन्होंने सारे पूजा पद्धति अर्चन पद्धति को लिखा, और हमारे गौड़ीय संप्रदाय को विशेष रूप में एक रूपरेखा, हम लोग जो अर्चन कर रहे हैं हवन कर रहे हैं, इनका ही सारे देन है। और ये इनके एक शिष्य श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने भी बड़े सुंदर रूप में प्रचार किया मणिपुर में जाकर के महाप्रभु के वाणी को। इसलिए हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण में प्रणाम करते हैं और विशेष रूप में गुरुपाद पद्म के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो हमें जो पद्धति दिया है कि कैसे आरती हो, कैसे पूजा हो, हमारे संप्रदाय की जो देन दिया हो हरि भक्ति विलास, और इसको हम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम उसको ठीक ठीक समझ करके कभी अगर हम उसको पालन कर सके तो ये वास्तव रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण में पुष्पांजलि होगा, गुरुपाद पद्म के चरण में ये पुष्पांजलि होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, गुरुपाद पद्म ओम विष्णु भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज की गौर प्रेमान जय आरती को शोभा जय जय पराचंदे आरती को शोभा वे पटवन I'm